डमी okay, दिख रहा है सुनाई दे रहा yes. फड़ है से. गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों कैसे हैं सब बच्चे यस yes. सब बच्चे रेडी हैं तो आज यार हमने क्या करना है आज हमने देखो क्लास 11, ट्वेल्थ का पूरा मैराथन तकरीबन कर लिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे मैंने यूनिट्स जो पहले छूट गए थे वो मैंने करा दिए है ठीक है जैसे जो चीज़ें बेटा नहीं हो पाई थी हमारी इकोलॉजी वन डे वन चैप्टर में वन डे वन चैप्टर में हमने पहले प्लांट फिजियोलॉजी कर ली थी अच्छे से इसीलिए मैंने वो इसको अभी टेक ओवर नहीं किया जो चीज़ें मैं नहीं कर पाई थी वन डे वन चैप्टर में जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स एनिमल किंगडम इकोलॉजी वो सब मैंने बेटा आपको एक बड़े से मैराथन में करा दी है तो अब बेटा टाइम है सवाल सॉल्व करने का तुम जानते हो यार एडमिट कार्ड आज

पेपर बनता है पीवाई क्यूज में से ही आ जाता है ठीक है जी तो इनको बारी बारी देखना बारी बारी रिवाइज करना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है ठीक है जी और अगर आपको कुछ और चाहिए होगा जैसे कल मैं प्लान कर रही हूँ टुमोरो वी आर गोइंग टू हैव वन सेशन ऑन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ डिसऑर्डर जितने भी डिसऑर्डर्स हैं हमारे फिजियो में है ह्यूमन एंड प्लांट जेनेटिक्स में है कुछ बीमारियां उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उसके सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं देखो हमने ऑल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कर लिए ऑल ईयर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए ऑल एब्रीवेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लिए और क्या किया यार कुछ और भी किया है यस फ्लो चार्ट बेस्ड मैच द फॉलोइंग अब मैं ये चीज़ें आपको कराने वाली हूँ ठीक है तो कल डिसऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन कर लें क्या कहते हो बेटा यस पी क्यूज बेटा जितनी बारी कर रखे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नो मैटर आप कितना करके आ रहे हो क्या कितनी बारी आपने रिवाइज किया आज का सेशन थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि पूरी बायोलॉजी है इसमें पूरी बायोलॉजी है तो हर चैप्टर आपका आएगा एंड हर चैप्टर में से मैंने सात आठ पी वाई क्यू सिलेक्ट करे हैं यस ठीक है जी प्लांट फिजियो मैंने आपको वन डे वन चैप्टर में करा दी थी, थी ना इसीलिए मैंने उसको मैराथन में इंक्लूड नहीं किया और बहुत लंबी हो जा रही थी मैराथन फिर चार घंटे की ऑलरेडी हो गई थी इससे ज्यादा यार मैम की कमर साथ नहीं देती है अगर दिक्कत आ रही हुई तो बेटा मैं उसका अलग से सेशन बना दूंगी डू नॉट वरी अबाउट दैट डू नॉट वरी अबाउट दैट ठीक है हाँ जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स भी है. कल भी बेटा क्लास का टाइम अब सेम रहेगा दैट इज गोइंग टू बी फोर पी क्लास अपनी कितने बजे रहेगी चार बजे ही रहेगी ठीक है ठीक है सही आइडिया ये जो मुझे आइडियाज देते हो ना बेटा वो आप मुझे आइडियाज़ दिया करो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में पढ़ती हूँ हर वीडियो के कमेंट्स में अच्छे से पढ़ती हूँ और काफी देर तक पढ़ती हूँ बिकॉज फीडबैक मैटर्स अ लॉट मुझे लगता है कोई परफेक्ट नहीं है मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ मेरे को भी इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है मेरे को भी बेटा आइडियाज़ की जरूरत है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए क्योंकि यही एक कनेक्ट है अब सामने तो यार मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ मेरे साथ बात करने का तरीका एक ही है यार कॉमेंट कर दिया करो समझ जाओ मैम पढ़ लेंगे ओके यस चलिए शुरू करें शुरू करें मैराथन में बेटा मैंने टाइम स्टैम्प के लिए भेज दिया है तो टाइम स्टैम्प आपके लग जाएंगे आज एंड जिसको भी दिक्कत आ रही है जिसने मैराथन नहीं अटेंड की जो जो चैप्टर्स बेटा हमने उसमें कवर कर लिए उनको तो बेटा तुम अच्छे से वहां से देख लो नोट्स मैंने सारे आपको टेलीग्राम पे भेज दिए हैं यस yes, एक बार सेशन को लाइक like कर दो तो हम फिर स्टार्ट करें कम ऑन बेटा जितने बच्चे हैं सेशन को लाइक like करना तो बनता है न्यूमेरिकल बेटा कल कर लेते हैं रिंकी जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल सही आइडिया दिया ऑल द पॉसिबल क्वेश्चन ऑन जेनेटिक्स Tomorrow we can discuss. कैन डिस्कस ओके लिखना बेटा कहां लिखोगे कमेंट्स में पानी पी लो सेशन को लाइक कर दो एंड फिर बता दो कि कर दिया लाइक ठीक है जी कम ऑन कम ऑन फटाफट से लाइक कर दो यार इसमें देरी नहीं करनी है <clears throat> हाँ जी लेट अस स्टार्ट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन गाइज पहला क्वेश्चन बेटा हमारा आ रहा है यहाँ से ओके जिस चैप्टर से तुमको बहुत डर लगता है वही क्वेश्चनवा है ये है ना वही वाला क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है यार मैच द फॉलोइंग करने है चलो कर लो सेल्स विद एक्टिव सेल डिजन कैपेसिटी एंड देन यू हैव गॉड टिश्यू हैविंग ऑल ऑल सिमिलर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ओके टिश्यू हैविंग ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ओके यस डेड सेल्स विद हाइली थिकन वॉल एंड नैरो ल्यूमन मैच करिए एनाटमी में से क्वेश्चन है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बुरा लगता है ना चैप्टर कोई बात नहीं करना तो है ही है। लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल आए थे ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है यस, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट ईयर ओनली थोड़ा सा कम दिख रहा होगा मैं जूम कर देती हूँ ये लो

पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो यस यस कॉक गाइस कॉक का क्या फंक्शन होगा एक से मैच करने की कोशिश करिए यस ओके बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है एक बच्चे ने सही आंसर दिया दैट इज गोइंग टू बी बी नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट पेयर आपको करेक्ट पेयर निकालना है बेटा ऑप्शन तो नीचे ही रहा है सेल्स ऑफ मेडिलरी दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ केम्बियल रिंग इंटरफेसिकुलर के

मैच कर लें दो ओके okay. ए के सामने लेंटिसल्स लेंटिसल्स आर द पोर्स जहाँ से एक्सचेंज होगा ओ माय बैट माय बैट आंसर इज गोइंग टू बी डी सही है यार तुम सही कह रहे हो तुम सही कह रहे हो आ जाओ आगे आ जाओ हाँ जी नेक्स्ट निकालिए क्वेश्चन नंबर थ्री का यस 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 कम ऑन बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री का निकालो हाँ जी बता दो थ्री थ्री हम आगे आ चुके हैं बेटा आपसे क्या पूछा है आपसे पूछा है करेक्ट पेयर करेक्ट पेयर निकाल दो यस yes. बिल्कुल सही आर फॉर कैश एक्सचेंज कैश एक्सचेंज एप्सोल्यूटली करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सबका अलग आ रहा है सब अलग चल रहे हैं बिल्कुल सही है वन इज द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही प्रेजेंट है ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बहुत बड़ा हो गया क्यूबॉइडल एपिथीलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ द माइक्रोविल्लाई फाउंड इन कहाँ पे प्रेजेंट होता है क्यूब लाइक सेल है जिनके पास ऐसे माइक्रोविल्लाई प्रेजेंट होता है भैया क्यूबॉइडल एपिथीलियम ऐसा कहाँ प्रेजेंट होता है पीसीटी में प्रेजेंट होता है कल ही हमने डिस्कस किया करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी क्योंकि वहां पर मैक्सिमम रिअब्सॉप्शन होनी होती है गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल आर मॉडिफाइड फ्रॉम कहाँ से मॉडिफाई होंगे देखिए गॉबलेट सेल जो है यानी कि ग्लैंडुलर सेल्स हैं

स आर प्रेजेंट इन सिलियेड एपिथिलियम ह्यूम में कहां पर प्रेजेंट होगा हां जी जहां पर कुछ मूव कराना है मूव करा लो यार बाइल डक्ट में कुछ ऐसा मूव नहीं कराना फेलोपियन में कराना है पेनक्रियाटिक में नहीं कराना स्टेशन में भी नहीं कराना तो करेक्ट आंसर बेटा आपका हो जाएगा ब्रॉन्क्यूल्स यहाँ पर म्यूकस मूव करेगा और फेलोपियन ट्यूब यहाँ पर एग मूव करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ मैच द फॉलोइंग देखो ये सारे जंक्शन है बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोबारा भी आ सकते हैं एपीथिलियल सेल का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो टाइट जंक्शन अडेयरिंग गैप एंड साइनाप्टिक जंक्शन हाँ जी देखिए टाइट जंक्शन का काम होता है प्रिवेंट लीकेज तो मैं प्रिवेंट लीकेज ढूंढ लेती हूँ ठीक है तो मैं क्या ढूंढ लेती हूँ बेटा प्रिवेंट लीकेज जो कि दिया हुआ ये रहा प्रिवेंट लीकेज बस मेरे को ये ना ये दो शब्द ढूंढने थे प्रिवेंट लीकेज अडेरिंग जंक्शन बेटा आपस में जोड़ते हैं ठीक है ये आपस में जोड़ते हैं तो ए का थ्री बी का वन वैसे तो एक में ही है गैप जंक्शन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर बिल्कुल सही है आ जाओ नेक्स्ट आ जाइए स्मूथ मसल्स आर स्मूथ मसल्स कैसे सेल्स हैं बता दो स्मूथ मसल्स बेटा ये

ट्यूबुलर पार्ट ऑफ ट्यूबुलर पार्ट है, बिल्कुल. PCD, है cuboidal, brush powder, होता ही अपना यहाँ पर है ना जी आ जाइए आ जाइए। चूज द करेक्टली मैस्ड पेयर करेक्ट मैचिंग तुमको निकालनी है तो देख लो यस yes. कह रहे स्पेशलाइज ना चार तरीके के होते हैं एक होता है बोन दूसरा होता है कार्टिलेज तीसरा होता है ब्लड

यहाँ पे तुम्हें पता चलता है कि पेपर में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और ऐसा नहीं होगा कि बेटा पिछले साल का सवाल निकाल के दे देंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे वो 2015, 14, 13 वहां पे जाएंगे वहां से क्वेश्चन निकाल के देंगे अगर पी क्यूज में से देना हुआ तो ठीक है जी आइडेंटिफाई द टिश्यू शोन इन द डायग्राम एंड मैच विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स लोकेशन बताइए ये टिश्यू कौन सा है टेंथ का आंसर बता दो ये स्केलेटल मसल है क्योंकि तुम्हें दिख रहा है मल्टीन्यूक्टेड है और स्ट्राइटेड है ठीक है जी तो skeletal muscle है तो ये नहीं है ये नहीं है, striated है टेपरिंग नहीं हो रही है तो एक ही answer बनेगा that is option number four. हां जी next आ जाओ बेसिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग बेसिक अमाइनो एसिड के लिए रूल है अपना बी ए एच एल बी फॉर बेसिक ठीक है जिसको नहीं पता नोट कर लो आर्जिनिन इन लाइसिन ठीक है जी ये अपना वो है न्यूमोनिक है तो इसमें से बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा रहेगा अपना लाइसिन और तो कोई बनता ही नहीं है ना टाइरोसिन है ना ग्लूटामिक एसिड है ना वैलिन है ग्लूटामिक एसिड तो वैसे भी वो होता है आ, एसिडिक अमाइनो एसिड है जी? आ जाओ. टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर शुगर के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बता दो

जो तुम्हारे बायो में घूम रहा है लेकिन हमने इसको करना सीख लिया है केमिस्ट्री का सवाल है ओके नेक्स्ट आ जाओ अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ फैट किससे बनता है फैट का दूसरा नाम है ट्राइग्लिसराइड क्या नाम है बेटा जी ट्राइग्लिसराइड अब मेरी स्पीड थोड़ी सी ठीक रहेगी ठीक है स्पीड इसीलिए अच्छी रहेगी क्योंकि यार कितने कितने दिन बचे पांच दिन बचे चलो आ जाओ ट्राइग्लिसराइड यानी कि एक ग्लिसरोल है

यूरेसिल क्या है नाइट्रोजनस बेस है ठीक है क्या है नाइट्रोजनस बेस है तो यूरिडिन क्या है जब नाइट्रोजनस बेस किसके साथ शुगर के साथ यानी कि रिबोज के साथ जुड़ता है ये यूरेसिल प्लस शुगर मिलके क्या बनाते हैं यूरेडिन बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हो तुम न्यूक्लियोसाइड बोलते हो यस दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड ये कौन है बच्चे डी के साथ ये पिरिमिडिन वाले बेटा जी ये सवाल तुम्हें रुलाएगा इसको नोट कर लो इसके बाद तुम्हारा जो इमोजी है ना वो ऐसी ऐसी, ऐसी बनेगी यस yes. इसे ऐसे 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 आंसर निकलेंगे तुम्हारे ठीक है क्योंकि यूरेसिल नहीं पूछा है यूरेसिल इज अ नाइट्रोजनस बेस वो प्यूरिन पेरिमिडिन में डालोगे तुम लेकिन यूरिडिन यूरेसिल प्लस रिबोज दे फॉर्म तो करेक्ट आंसर बेटा क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए है नेक्स्ट आ जाओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए ए बी सी डी रिप्रेजेंट बेसिक अमाइनो एसिड अब बेसिक और एसिडिक पहचानने का तरीका क्या है देखो बेसिक और एसिडिक तुम पहचान सकते हो विद द हेल्प ऑफ कि उसके पास एक्स्ट्रा सी ओ एच ग्रुप है या एक्स्ट्रा एनएच टू ग्रुप है तो तुमको बेसिक निकालना है देख लो एक एन एच टू ग्रुप ये ना ठीक है ओके ओके, ओके. यस एक ही है इसके पास ये एक एनएच टू ग्रुप है रुक जाओ इसके पास भी एक ही है इसके पास भी एक ही दिख रहा है इसके पास देखो दो दिख रहे हैं दो टू ग्रुप दिखे डी में दिया हुआ है बेटा जी लेकिन डी ऑप्शन किस में है बी में ये सब बच्चे जो डी के साथ हैं गलत हैं क्योंकि डी है लेकिन वो दिया हुआ है बी में चलो जी नेक्स्ट ओके यस प्लीज रिप्रेजेंट ये क्या दिया हुआ है 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 तो क्चर का नाम पहचानो क्या नाम है इसका ये देखो ये शुगर दिख रही है कौन सी शुगर है सेकेंड कार्बन से पहचानेंगे सेकेंड कार्बन को देखा तो ये एक रिबोज शुगर है कैसी है रिबोज शुगर है अब रिबोज शुगर पे तुमने कोई कंपोनेंट लगा दिया यूजुअली शुगर के साथ हम बेस लगा देते हैं ठीक है यहां पे शुगर के साथ बेस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा तो कौन सा बेस होगा यूरेसिल देखो देखो गाइस सी इसी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है टाइड बनाने के लिए फॉस्फेट ग्रुप चाहिए अभी फॉस्फेट ग्रुप तो आया ही नहीं है कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे कहीं नहीं लगाया फॉस्फेट तो इट इज ए न्यूक्लियो साइड ओके okay जी नेक्स्ट आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज करेक्टली कैरेक्टराइज करेक्ट कैरेक्टराइजेशन पूछी है बेटा लेने एक फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइसराइड है सेल में मिलता ट्रू है पामिटिक एसिड इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद 18, सोलह कार्बन होते गलत दिया हुआ है एडिनाइलिक एसिड एडिनोसिन विद ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल नो नो ठीक है ग्लूकोज

इसको देख लो और यहीं से आइडेंटिफाई करो ये कौन है देखो आर वन आर टू फॉस्फेट ग्रुप और कोलिन है ठीक है ये एक फैटी एसिड है ये दूसरा फैटी एसिड है ये फॉस्फेट ग्रुप है और ये कौन है कोलिन है जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो ये फॉस्फोलिपिड का भी मॉडिफिकेशन है जिसका नाम है लेसिथिन ठीक है जी तो ए हो गया तुम्हारा लेसिथिन बी क्या हो गया कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल लेसिथिन इज अ अम्पोनेट ऑफ द सेल मेम सही है बी क्या दिया हुआ बेटा प्यूरिन दिया हुआ है बी इज अ प्यूरिन जो कि सेट नहीं बैठ रहा है तो यही आंसर आ जाएगा डी ठीक है जी नेक्स्ट आ जाओ अबाउट 98% ऑफ द मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कंपोज्ड ऑफ़ जस्ट सिक्स एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सी एच एन ओ हाँ जी हमारा जो मास है वो किससे बना हुआ है सिखाया था सी एच एन ओ, इसके साथ क्या लगा दोगे याद रखना है सी एच एन ओ पी एस सब बच्चे बोलेंगे छह चीजों से बना हुआ है सी एच एन ओ पी एस पी एस क्या आ जाएगा बेटा फास्फोरस एंड सल्फर सी एच एन ओ पी एस सब बच्चे इसको बिल्कुल फोकस से याद रखेंगे चलो जी अ डीएनए मॉलिक्यूल टू विच जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग बताओ किसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं ये मान लो ये ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है किस में डाला बेटा उसको बोलते हैं अपने लोग वेक्टर किस में डाल देते हैं वेक्टर में डाल देते हैं कटिंग ऑफ द लोकेशन बिकेम पॉसिबल कटर कटर कौन है फॉलोइंग इज अ केस ऑफ द रॉन्ग मैचिंग रॉन्ग मैचिंग है यार विच ऑफ द फॉलोइंग अच्छा हाइब्रिडाइजेशन फ्यूजन ऑफ टू सेल वेक्टर डीएनए तो हमें पता है साइट ऑफ टीआरएनए सिंथेसिस ये वेक्टर डीएनए में कौन सी साइट ऑफ टीआरएनए सिंथेसिस ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही रॉन्ग बिल्कुल जमा ही रॉन्ग तो बीज आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म यस किस टेक्निक से बेटा जेनेटिकली इंजीनियरिंग आप कर सकते हो मेड इट पॉसिबल ओके सो द करेक्ट आंसर

बताया था ना ब्रेकअप हो जाता है फिर कौन से एंड्स बन जाते हैं डेस्परेशन वाले कि मैं अब सिंगल हूं अब मैं रेडी टू मिंगल हूं बेटा पहले वाले के साथ अपने एक्स के साथ उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए थे ठीक है यस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए थे तो क्या नए वाले के साथ ये डीएनए हेल्प से बॉन्ड बनाएगा नहीं दिस कैन नॉट बी लाइक बाय यूजिंग डीएनए लाइगेस ठीक है जी नेक्स्ट चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट बताना है लाइगेज़ेस दो डीएनए मॉलिक्यूल को ज्वाइन करेगा सही है पॉलीमरेज़ेस ब्रेक पॉलीमरेज़ तो डीएनटीपी ऐड करता है सेपरेट टू स्ट्रैंड एलिकेज करेगा एक्सो न्यूक्लियस कट्स नॉट विद इन आउटसाइड करता है तो द ओनली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर एपेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकनाइज बाईको आर वन इको आर्बन बेटा सबसे ज्यादा बात होती है इसके पूरे चैप्टर में इसका जो रिक्निशन सीक्वेंस है वो है जी ए ए टी टी सी जी ए ए टी टी सी फाइव प्राइम थ्री प्राइम फाइव प्राइम थ्री प्राइम तो बता दो आंसर हाँ जी जी ए टी टी सी वाले एक ही है कौन सा वाला है ऑप्शन नंबर ए है ठीक है एक ही दिया हुआ दैट इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट बी कॉटन वेराइटी दैट वॉज डेवलप्ड बाई इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सन ऑफ बी

पढ़ने का फायदा क्या होता है अब जिस बच्चे ने 2020 में पेपर दिया था उसने 19 का पेपर तो लगाया ही होगा है ना लगाया ही होगा 19 के पेपर में भी क्वेश्चन आया बी से 20 के पेपर में बेटा क्वेश्चन आया बी से 21 में भी देख लोगे एक क्वेश्चन बी से तो पीवाई क्यू पढ़ने से तुमको क्या अंदाजा होता है विच टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट दे आर गेटिंग रिपीटेड अगर कुछ भी रेपिटेशन हो रही है भैया तुम्हारे में भी हो सकती है ठीक है समझे तो ये फायदा होता है बेटा पीवाई लगाने का

इट इज अ वाइटमिन एंड रिच राइस विद द जीन फ्रॉम द डेफोडिल अब एनसीईआरटी में डेफोडिल का नाम तो नहीं दिया हुआ था नहीं दिया हुआ था ना बेटा लेकिन पीवाईक्यूज में डेफोडिल का नाम दिया हुआ है और अगर आप हमारे नोट्स चेक करेंगे हमने डेफोडिल के आगे ये भी लिखा है कि ये हैार्सिस लिखा है ना, कि नहीं हमने इसका साइंटिफिक नेम भी लिखा है सब बच्चे मुझे यस करके बताएंगे अब तुम समझ रहे हो नोट्स की इंपॉर्टेंस नोट्स की यह इंपॉर्टेंस है कि एनसीईआरटी में जो है है लेकिन पी क्यूज में अगर कोई भी अक्षर एक्स्ट्रा दे दिया तो यार वो हमारे नोट्स में कवर होना चाहिए बस यही एक्सपीरियंस टीचर की बेटा पहचान होती है यही उस मेहनत की पहचान होती है नहीं तो एनसीईआरटी रीड करने वाले बेटा तो बहुत मिल जाएंगे वो रीडिंग नहीं होती है बेटा डी कोडिंग एनसीआर की होती है कि आपके नोट्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज पी क्यूज में आई है वो उतरी होनी चाहिए है ना नार्सिस है बिल्कुल सही है चलो तो यहां से तुम्हें प्रूव हो जाना चाहिए यू आर इन द सेफ हैंड्स ठीक है इधर उधर भटका मत करो है ना भटका मत करो

इस साल भी मुझे लगता है आएगा ही आएगा ओके बीटी कॉटन पे बीटी कॉटन प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू एज अ प्रोटॉक्सिन इज एक्टिवेटेड बाय

आरएन इंटरफेरेंस में बेटा साइलेंसिंग हो रही है क्या हो रही है साइलेंसिंग साइलेंसिंग एक में ही दिया हुआ है दिस इज़ द साइलेंसिंग नेक्स्ट आ जाओ बॉडी फ्लड्स बॉडी फ्लड्स पे आ जाएंगे बेटा हां जी मैच द फॉलोइंग देखो मैच द फॉलोइंग इज़ द क्वेश्चन जिसपे सब इज़ द पार्ट ज टाइप ऑफ क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट इन द पिछले दो तीन सालों में सबसे ज्यादा एग्जामिनर को पसंद यही सवाल है, क्योंकि उसको है एक ही एक बारे में पूछ लेता है तुमसे, ठीक है? तो एक तीर से चार निशाने वाला मैच ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है ए मैच कर दू बड़ा अच्छा सवाल है वैसे ध्यान देना जो इोसिनोफिल है वो एलर्जी को कम करता है बेसोफिल हिस्टामिन रिलीज करके एनर्जी को कॉज करते हैं अब तुम देखो इोसिनोफिल ने रिलीज किया हिस्टामिनेज अब ये नाम नहीं था कहीं भी हिस्टामिनेज यानी कि हिस्टामिन को काटेगा एलर्जी को कम करेगा समझे यस तो एनसीआरटी को इस तरीके से समझना था तुमको बेसोफिल बेटा हिस्टामिन रिलीज करता है न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स ओके जी यस yes, हाँ नेक्स्ट आ जाओ बहुत बढ़िया एक बच्चे के लिए बेटा सब बच्चे तालियां बजा दे यहां पर तालियां बजाने वाला अफसर आ गया है क्योंकि अभी भी एक बच्चा कह रहा है कि मैम नीट का एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा बेटा वो अभी जस्ट उठा है मुझे लग रहा है थोड़ा कुंभकरण वाली नींद चल रही थी पिछले एक महीने से अभी जस्ट जागे हैं पाँच दिन बचे हैं और पाँच दिन पहले कह रहे हैं मैम एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा बता रहे हैं बेटा बेटा तुम सो रहे थे हम सब जाग रहे थे हम सब पढ़ाई कर रहे थे हम सब डे नाइट मेहनत कर रहे थे हम सब ने मैराथन लगाकर पूरी पूरी बायोलॉजी रिवाइज कर ली है हम सब अब सवालों पर आ गए हैं आप उठ जाए तो थोड़ा सा कर लें हो सकता है थोड़ा क्वालिफाइंग मार्क्स तो आई जाएंगे इंग yes. मार्क्स के लिए बेटा उसकी कोशिश है ओके यस ट्वेंटी टीन में फिर से मैच द फॉलोइंग फाइब्रिनोजन गाइस फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग टू का थ्री टू का टू सॉरी एक आ टू ओके ग्लोबिलिन बीसी ऑस्मोटिक बैलेंस एल्ब्यूमिन ग्लोबिलिन बेटर डिफेंस ठीक है एल्फा ग्लोबिलिन एंड एल्ब्यूमिन

क्योंकि इनको अंदर का सारा जगह एक ही रीजन है यार इसके पीछे और कोई फंडा नहीं लग रहा अंदर का सारा जगह किसको देना है हीमोग्लोबिन को देना है ठीक है ऑल द इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन फोर ठीक है जी यस नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी क्लॉटिंग डिसऑर्डर किसकी वजह से हो सकता है यार प्लेटलेट्स

ओके अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों भैया ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है क्योंकि ए बी की खास बात ये है कि इसके पास एंटीजन ए और बी दोनों होता है लेकिन एंटीबॉडी होती ही नहीं है ठीक है एंटीबॉडी नहीं है ना एंटी ए है ना एंटी बी है तो करेक्ट आंसर बेटा आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यस सब बच्चे मेरे साथ हैं ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा ना तुम्हारा एबी क्यों यूनिवर्सल रेसिपिेंट है क्योंकि भैया उसके पास एंटीबॉडी नहीं है एंटीजन तो है राइट चलिए नेक्स्ट अब फिगर शोज ह्यूमन ब्लड सेल आइडेंटिफाई एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक ये कौन सा सेल दिया हुआ है ओके कैरेक्टरिस्टिक्स से भी मैच होना चाहिए ओके okay. मोनोसाइट तो वैसे ही एंटीबॉडी नहीं बनाते बेटा इनको तो वैसे ही निकाल दो ठीक है न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता उसमें तो प्रॉपरली मल्टीलोप न्यूक्लियस होता है ये भी निकाल दो तो बच्चे अपने पास बेसोफिल और सिर बी इम्फोसाइट और बेसोफिल्स ओके तो बी इम्फोसाइड कह रहे हैं फॉर्म्स ट्वेंटी ब्लड सेल इन द इम्यून नो ये तो कैरेक्टर ही गलत लिखा हुआ है दिख रहा है बेटा ग्रेन्युलर है तो ये तो हो ही नहीं सकता ठीक है जी ग्रेन्युलर है तो ये भी नहीं हो सकता तो या तो ग्रेन्युलर में ये है या फिर ये करेक्ट आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ए इज द राइट आंसर ग्रेन्युलर साइटोप्लाजम है ना तो ग्रेन्युलर में डाल दोगे ग्रेन्युलर साइट आपका ए वाला सही रहा है नेक्स्ट अ सर्टन रोड एक्सीडेंट एक्सीडेंट बढ़ाकर आते हैं वैसे रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अनोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीजिएट ट्रांसफ्यूजन हाँ जी किसका ब्लड दे, दे देंगे यार किसी का एक्सीडेंट हो गया है हमें उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता तो कौन सा ब्लड मोस्ट तो प्रेफरेबल है यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल डोनर कौन है ऑप्शन नंबर सी ब्लड ग्रुप ओ हाँ जी द्रेव ऑफ आर बी सी इज कॉल्ड एज चलो जी आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ओके द गिवन फिगर शोज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल्स ए बी सी डी ओके क्या बताना है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन बताइए मुझे लगता है ये पी वाई क्यू नहीं है क्या लगता है बच्चों ये पी वाई क्यू है 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 ठीक है ठीक है है बेटा है बिल्कुल है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन बता दो थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं सी क्या है सी बेटा है सही है थिन वॉल्ड वैस्कुलर बैग्स फॉर एक्सचेंज एब्सोल्युटली राइट डी क्या कह रहे हैं लोअर एंड ऑफ इस लोअर एंड ऑफ लंग्स नो

ठीक है मेरे ख्याल से है कि नहीं बेटा ठीक है मुझे लगता है अब इससे स्लो कैसे काम बनेगा यार काम नहीं बन पाएगा अपना ठीक है इससे स्लो बेटा काम नहीं बन पाएगा

टीवी एंड ई आर वी ऑफ एन एथलीट इज फाइव हंड्रेड एंड थाउजेंड तो टीवी दी हुई है ठीक है फाइव हंड्रेड ई आर वी इन्होंने खुद दे दी है कितनी हजार ओके व्हाट विल बी हिज एक्सपीरेटरी कैपेसिटी ईसी का फॉर्मूला क्या होता है टीवी प्लस ई आर वी दैट इज फाइव हंड्रेड प्लस वन थाउजेंड करेक्ट आंसर बेटा आपका हो जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड वैसे ई आर ग्यारह 1100 तक ही होता है 1100 से 1200 इन्होंने खुद बता दिया था तो एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाता है 1500 हंड्रेड अदरवाइज बेटा आंसर वैसे आता है सेवनटीन हंड्रेड ठीक है कितना आ जाता है सेवनटीन हंड्रेड अगर मैं ट्वेल्व हंड्रेड लेकर तो एनी ओके सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एक्सपीरेशन अकर्स ड्यू टू इंटरकोस्टल मसल फोल्स पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन बात तो सही है यार अंदर का प्रेशर कम करना होता है क्योंकि गैस हाई से लो प्रेशर तक ही जाएगी ये बात मुझे ठीक लग रही है बेटा हजम भी हो रही है मुझे अच्छे से यस, इंस्पिरेशन अकर्स वेन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन नो, no, इंस्पिरेशन के लिए अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए एक्सपीरेशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है पैसिव बेटा हाँ वैसे ये भी आइडिया बच्चा अच्छा दे रहा है कि सारे तरीके के न्यूमेरिकल्स करा दो बीट जेनेटिक्स बीट हार्ड बीट सेल साइकिल बस ये तीन ही चैप्टर हैं न्यूमेरिकल्स वाले और तो है नहीं है ना गाइस इसके अलावा तो कोई और चैप्टर नहीं है न्यूमेरिकल्स वाला तो मैं ये भी कर सकती हूँ लेट मी लेट मी जस्ट थिंक ओवर इट मैं फाइल बनाती हूँ आपकी मुझे आज रात का टाइम दो फिर कल अपने इस क्लास को लेते हैं या तो अकेली जेनेटिक्स के लेंगे या कंप्लीट कम्पलीट न्यूमेरिकल्स ले लेंगे है ना इट्स इट्स अ गुड आइडिया थैंक यू तभी यार तुम लोग बहुत क्रिएटिव हो तभी मैं तुमसे आइडिया पूछती हूँ यू गाइज आर रियली रियली क्रिएटिव मैच कर लिया ये yes, मैच करने के बाद बेटा आंसर क्या आ जाएगा वैल्यूज हैं तुमको मैच करने के बाद पता चलेगा आंसर इज बी ंग्स आर मेडअप ऑफ एयर फिल्ड कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन क्यों नहीं फट जाते यार क्यों नहीं हो जाते क्योंकि हर वक्त हर वक्त उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? है अच्छा दोबारा यह क्वेश्चन आ गया लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रेथ एयर कैन नेवर बी क्यों बेटा हवा क्यों नहीं एक्सपेल होती रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि जब तुम अपने लंग्स को एल्विलाई को देखते हो तो ये गुब्बारा है गुब्बारे में बेटा नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर लगता है जो एलवेलाई को पीछे की तरफ खींच के रखता है ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव प्रेशर इंट्राप्लूरल प्रेशर विच पुल्स पुल्स मतलब पीछे जैसे बेटा गुब्बारे को ऐसे पीछे से खींच के रखोगे तो गुब्बारा फटेगा थोड़ा मतलब

फॉर्म अपेंडिक्स जोडेनम से नहीं निकलता है इलियम एक हाईली है तो सी इज द राइट आंसर ठीक है जी चलिए नेक्स्ट आ जाओ मैच द द द फॉलोइंग 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 गाइस फिर से मैच मैच दैश दी एफ क्या दे देते हैं एम टी एफ ठीक है मैच द फॉलोइंग ठीक बात है बिल्कुल एम टी पी क्या होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एम टी एफ क्या होता है मैच द फॉलोइंग मैच कर लो यार यारिप्ट कहां पर होते हैं इंटेस्टाइन में होते हैं कैप्सूल में होता है आइलेट ऑफ लैंगर एंड पैनक्रियाज ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम बताना ए का थ्री आना चाहिए में थ्री है बी का क्या आना चाहिए फोर आना चाहिए इसमें भी फोर है तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हां जी नेक्स्ट वर द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स द ह्यूमन डेंटिशन बेटा हमारा डेंटिशन है डायफायोड हेटरो करेक्ट आंसर हो जाएगा थी कोई डोंट है और नाम एड कर लो ब्यूनो डोंट भी बोलते हैं क्योंकि है 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 हमारे molars में क्या गया okay. okay? okay, right. yeah. ने देखा कि इस बॉय के पास दो साल के बच्चे के पास सिर्फ बीस टीथ है कौन से नहीं है भैया दो साल के बच्चे के पास कौन सा दांत नहीं है तो तुम देख लो टू वन जीरो टू अपॉन 2102 कौन सा वाला दांत नहीं है जीरो वाला कौन है जीरो वाला है प्रीमोलर्स तो करेक्ट आंसर आ जाएंगे आपके प्रीमोलर्स ठीक है नेक्स्ट विच सेल्स ऑफ द क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन सेक्रेट द एंटीबैक्टीरियल लाइसोज़ाइम देखिए लाइसोज़ाइम सेक्रेट हो रहा है इंटेस्टाइन में वाया पैनथ सेल्स कफर सेल्स तो कहां होते लिवर में होते है? ठीक है यस yes, कौन कर रहा है कफर सेल्स तो कहां पर होते हैं बेटा लिवर में होते हैं ठीक है क्या हमने ठीक दिया क्या हमने ठीक दिया हाँ जी चलो नेक्स्ट हूं विच हॉर्मोन डू नॉट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस डू स्टिमुलेट अच्छा नॉट नहीं है ओके डू स्टिमुलेट एंजोटेंसिन ओके इंसुलिन ओके इंसुलिन हाँ जी एक ही सही आंसर बैठता है बेटा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी सी इज द राइट आंसर बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा बेटा पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम पे टेलीग्राम है सी पाहुजा बायोलॉजी ठीक है राइट इस पे आ जाना सी है ना हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द तो ओपनिंग ऑफ हिपैटो पेनक्रियाटिक डू द दु ड्यूडनम दु हिपैटो पेनक्रियाटिक डू ड्यूडनम लास्ट वाला पूछ रहे हैं कौन सा वाला होगा बेटा पाइलोरिक फिंगर स्टमक के एंड में होता है सेमिलर वॉल्व हार्ट में होता है इलियोसिकल वॉल्व नीचे होता है करेक्ट आंसर वैसे इसको टफ बनाने के लिए इनको ऑप्शन देना चाहिए था ऑफ बॉयडन तब जाके टफ होता ठीक है अब तो आसान लग रहा है हमें द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूम डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन देखो दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन 2019 में भी ये सवाल आया और टू थाउजेंड बेटा में भी यही वाला सवाल आया तो देख लो तुम है ना ओके okay, तो इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप कौन सा नहीं है बेटा अपने पास प्री प्रीमोलर्स नहीं है तो टूथ में से प्री मोलर्स पे सवाल आ सकता है वेयर डू सिंबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर्स इन ह्यूमन बॉडी कहां पे होते हैं बेटा सिंबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीकम में ओरल लाइनिंग एंड टंग सरफेस यानी होते वर्मी फॉर्म ऑफ इंडेक्स में होते हैं बट रेक्टम में तो बिल्कुल नहीं होते हैं। नहीं होता तो बेस्ट आंसर इज द ब्लाइंड ब्लाइंड सैक सैक इज सीकम फॉर इट्स कार्बोक्सी कार्बोक्स को क्या चाहिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कार्बोक्सिप्टीडेस को एक को फैक्टर चाहिए होता है काम करने के लिए तो वो को फैक्टर कौन है बताएंगे बताएंगे मेरे बच्चे टेंथ का आंसर कौन है हां जी जिंक आयरन नियासिन कॉपर कार्बोक्सीपेप्टिडेस को कुछ चाहिए जैसे सलाइवरी को क्लोराइड आयन चाहिए होता है ना कार्बोक्सीपेप्टिडेस को भी क्या चाहिए Zinc आयन चाहिए काम करने के लिए ओके okay जी आ जाओ ऑफ द फॉलोइंग बट नॉट वाइस वर्सा एक्टिविटी बट नॉट वर्सा एंडोक्राइन ग्लैंड जी बता दीजिए फटाफट से रीड इट गाइज जस्ट अ सेकेंड आप बताइए मैं एक मिनट लेट मी जस्ट सब बच्चे देख के बताएंगे हम्म निकाल लिया आंसर ओह हो बंद क्यों हो गया बंद नहीं होना चाहिए एक मिनट मैं ऑन कर रही हूँ आंसर okay. मेरे बच्चों निकाल लिया बंद कैसे हो गया लेट मी जस्ट ओपन हां जी क्या आंसर निकाले हो बिल्कुल सही है बेटा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यस सी इज द राइट आंसर दोनों मिलके एक दूसरे को सांझ में काम करते हैं इकट्ठे काम करते हैं ओके okay, यस yes. प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन इज द इंडिकेटिव ऑफ मेलेटस ये दो बार ही सवाल आ चुका है बेटा मेलेटस पे मेलेटस कैसे पता चलेगा यूरिन में ग्लूकोज आएगा और कीटोन बॉडीज आएंगी अगर कीटोन बॉडीज आई तो कीटोन यूरिया ग्लूकोज आए तो ग्लाइकोस यूरिया बिल्कुल मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हाँ जी मैच करिए और सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है

इसमें आपको क्या बताना है इसमें आपको बेटा जी करेक्ट स्टेटमेंट बताने है हाँ जी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कि कोर्टिसोल कौन है कौर्टी स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस नए-नए तरीकों से ग्लूकोज बनाएंगे सही बात है वैसे ग्लूकोगोन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया नहीं एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन ऑन पैनक्रियाटिक सेल्स एंडसाइड्स बेटा इंसुलिन किस किस पे काम करता है इंसुलिन मसल पर काम करता है इंसुलिन फैट सेल्स पर काम करता है और लिवर सेल्स पर काम करता है पैनक्रियाटिक पर काम नहीं करता फॉल्स इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया बेटा ओनली करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए यही निकाला ना तुमने दिखा दो मुझे हाँ जी क्या निकाला है अरे यार ये क्या हो गया ये क्या हो गया क्या हो गया बेटा आपको

छत्ते मारने वाले चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं इसमें तो बहुत सारी चीजों को एक साथ ऐसे पूछा जा सकता है ओके okay, तो इंसुलिन निकाल लिया बताओ ओके okay, ए के सामने आ जाएगा इंसुलिन के सामने ए के सामने फाइव आना चाहिए इसी में आ रहा है इसमें भी आ रहा है थायरोक्सिन के सामने गोइटर आना चाहिए ठीक है बी के सामने 4 ले आओ सी के सामने 1 ले आओ ठीक है इसके सामने थ्री ले आओ बिल्कुल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर फोर इज द राइट आंसर बेटा ठीक है फोर इज द राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन्स को खोखला करना बोन्स में अगर पोर्स हो जाए तो कौन बोन में पोर कराता है यार प्रोलैक्टिन नहीं करा सकता ये तो दूध बनवाता है ओके एल्डस्टर प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन एंड हार्मोन यस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बेटा पीटीएच और एस्ट्रोजन के बीच में क्या रिलेशनशिप है और कैसे ये लोग ऑस्ट्रोप्रोसिस कराते हैं फीमेल में मेनोपॉज तक एस्ट्रोजन होता है तो जनरली फीमेल्स के फीमेल्स के घुटने इतनी जल्दी बोन्स खराब नहीं होती है मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो पीटीएच का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हट जाता है जिसकी वजह से बेटा आपका हो सकता है नेक्स्ट हाँ जी

क्या कहते हैं पैरों में आ, हील्स पहन लो मतलब कुछ अच्छी चीज नहीं बताएंगे दवाई खा लो बेटा उनसे हाइट नहीं बढ़ती है हाइट बढ़ने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी राइट टाइम पे करनी चाहिए वैसे तो इट इज़ जेनेटिकली कंट्रोल जितनी है है बट थोड़ा सा एक्सरसाइज एक्टिव लटकोगे तो राइट right टाइम पे यानी कि जब आप 11-12 साल के तब अगर ये कोशिश करेंगे तो हो सकता है लेकिन 20 साल की उम्र में 25 साल की उम्र में कहो कि मेरी हाइट बढ़ जाए तो बेटा वो बात नहीं हो सकती है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए राइट क्योंकि बेटा एपीफाइस प्लेट उसके बाद क्लोज हो जाती है ओके okay जी नेक्स्ट आ जाइए एवोल्यूशन का सवाल फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट स्टैनले मिलर प्रोड्यूसेस अमाइनो एसिड स्टैनले मिलर ने बेटा क्या क्या सामान डाला था जरा देख ले बेटा स्टैनले मिलर ने डाला था डब्ल्यू एच ए एम वैम याद करने का तरीका क्या बेटा वैम अभी क्या भी देखो W इज वॉटर वेपर ठीक है वॉटर वेपर H इज हाइड्रोजन A इज अमोनिया ठीक है NH3 NH4 M इज मीथेन ठीक है जी ये चार चीजें डाली थी वैम तो अब तुम देख लो यार वैम कहां पे दिया हुआ है हाँ जी W H A M सब में दिया हुआ है सब में नहीं दिया हुआ है सी एच थ्री है यार इसमें सी एच फोर नहीं है तो ये नहीं हो सकता करेक्ट आंसर सी एच फोर एच टू एन एच थ्री वाटर वेपर एट 800 हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ पूरा सीरीज बता दो मैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की यस yes. <laughs> क्या हुआ होगा बेटा इसमें इनऑर्गेनिक तो दिया नहीं हुआ ऑर्गेनिक से शुरू किया है तो पहले ऑर्गेनिक मोनोमर बने होंगे फिर मोनोमर के बाद ओके okay, मोनोमर के बाद पॉलीमर बने होंगे ठीक है पॉलीमर बनने के बाद प्रोटोबायोन्ड्स बने होंगे फिर यू बायोन्ड्स बने होंगे फिर जाके बेटा जेनेटिक मटेरियल आया होगा तो 2 3 1 4 2 3 1 4 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक है ओके विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट बेटा निकालनी है कौन सी सही है अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपियड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन सही है कीमो हेटरोट्रॉफ थे आज के टाइम पे वो आना रोबिक है ये द फर्स्ट ऑटोट्रॉफ एक ऑर्गेनिज्म कीमो ऑटोट्रॉफ ये दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन बिल्कुल सही है बेटा दोनों बातें बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट आ जाओ मिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटोबायोट आपको क्या पूछा है बेटा इनकरेक्ट पूछा है प्रोटोबायोट

केमिकल एवल्यूशन कहती थी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ तभी होगा जब केमिकल्स आपस में रिएक्ट करेंगे जब बेटा केमिकल्स आपस में क्या करेंगे रिएक्ट करेंगे नेक्स्ट देयर इज नो लाइफ ऑन मून मून पे चांद पे क्यों कोई लाइफ नहीं है यार क्यों क्यों चांद सिफारिश करता तुम्हारी लेकिन चांद पे चांद सिफारिश कर रहा है लेकिन चांद पे जिंदगी नहीं है <laughs> क्योंकि फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन ओरिजिनेट होने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है बेटा पानी चाहिए होता है। चांद के ऊपर में पानी नहीं है इस वजह से बेटा ऐसा होता है ठीक है तो चांद बिना पानी के ही बिना जिंदगी के ही क्या करता है सिफारिशें करता रहता है ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन में स्पेशली तुमसे करवाना चाहती थी यहाँ पर दैट इज से यार फट को लाइक कर दो क्योंकि चांद सिफारिश बहुत कर रहा है ठीक है चांद ने सिफारिश की है सीप मैम का सेशन को लाइक करने की ओके इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ द न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम टू टू फाइव ध्यान से समझना बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ सकता है मतलब बच्चे का वेट दो से पांच किलोग्राम तक हो सकता है 97 सेवन ऑफ द न्यू का वेट था थ्री टू थ्री ठीक है नाइनटी इस रेंज में थे नाइनटी ओके okay. Whereas 99 का क्या था वेज फ्रॉम नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द इनफेंट बॉर्न विदेस फ्रॉम टू 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 पॉइंट फाइव और फोर पॉइंट फाइव टू फाइव मतलब मोस्टली बच्चों का वेट था टू टू फाइव यानी कि ये वाला जो वैल्यू है ये फेवर हुआ है ज्यादा नाइनटी नाइन परसेंट का वेट इतना है विच टाइप ऑफ सिलेक्शन बेटा इज टेकिंग प्लेस बता दीजिए बता दीजिए बच्चे का वेट दो से पांच तक हो सकता है एवरेज वेट निकालोगे तो 3.5 है 3.3 होता है ना एवरेज वेट दो से पांच का लेकिन जब हमने देखा वेयर एज एक मिनट रुको 97 परसेंट ऑफ द न्यू बॉर्न विद एवरेज वेट बिटवीन टू थ्री टू थ्री पॉइंट थ्री के जी सर्वाइव वेयर एज नाइंटी नाइन परसेंट ऑफ द इन फैंड बॉर्न विद वेट अच्छा डाई ओके ओके ये दोनों मर गए बेटा ओके कोने वाले मर गए ये तो मैंने फोकस ही नहीं किया जिंदे कौन रह गए बेटा थ्री टू थ्री पॉइंट थ्री वाले यस तो मीन जो वैल्यू है वो क्या रह गई बेटा सरवाइव कर गई तो ये सिलेक्शन कैसी हो जाएगी ये सिलेक्शन हो जाएगी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बिल्कुल सही है हाँ राइट राइट बिल्कुल सही कह रहे हैं यार पलक आर एन डी आर एन डी पर रिसर्च कर रहे हो क्या पलक बेटा है आर एन डी पर रिसर्च कर रहे हैं चलो ठीक है कर लो कर लिया रिसर्च समझ आया थोड़ा सा टिपिकल सवाल था बेटा राइट थोड़ा सा टिपिकल सवाल था कह रहे थे दो से पांच तक वेट हो सकता है लेकिन तीन साल वाले बच्चे ही जिंदा रहे जिनका वेट टू 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 पॉइंट फाइव था वो भी मर गए जिनका वेट फोर पॉइंट फाइव टू फाइव था वो भी मर गए यानी कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो फेवर नहीं हुई सिर्फ मीन वैल्यू ही फेवर हुई जब मीन वैल्यू फेवर होती है तो बेटा वो कौन सी सिलेक्शन होती है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बेटा मैंने तो पलक को बाहर निकाल दिया आप भी निकाल दो यार ऐसे बच्चों की जगह नहीं है हमारी क्लास में इतना इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल रहा है सिलेक्शन पे क्वेश्चन आ रहा है है ना कैसे आ जाते हैं बच्चे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन के पहले पैराग्राफ में से सवाल आ रहा है सिलेक्ट ऑप्शन विच शोज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द एनिमल्स विद्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गन बताइए करेक्ट मैचिंग निकालनी है, ये तो में होते हैं किडनी यूरिया पीकॉक के पास भी किडनी और यूरिया नहीं बेटा पीकॉक बर्ड है यूरिक एसिड से क्रिएट करता है हाउस फ्लाई के पास रीनल टिब्यूल एंड यूरिक एसिड गलत आंसर करेक्ट आंसर बेटा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी सबसे सही आंसर है नेक्स्ट फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट कैटेगराइजेशन विद्स एनिमल्स एनिमल्स है तुम नोटिस करो यार टू थाउजेंडी बारह क्या ट्रेंड चल रहा था इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे तो करेक्ट पूछा आपसे पिजन इज नॉट अमोनोटेलिक फ्रॉग अमोनिया लिजर्ड अमोनोटेलिक नो एक्वाटिक एम्फीबिया मोनोटेलिक हो सकते हैं फ्रॉग यूरियो है हम भी यूरियो है पिजन है और लिजर्ड है बिल्कुल सही है कॉकरोच भी है दिस इज द करेक्ट आंसर क्या आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर टू ओके जी नेक्स्ट आ जाओ मैं ना गायब हो जा रही हूं मैं थोड़ा इधर होके खड़ी होती हूँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन इन बोथ ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग क्या बात बेटा अपने दोनों में क्या है कॉमन है एम्फीबिट्स क्या है एम्फीबियस um, है बेटा आपके फ्रॉग्स uh, ठीक है क्या चीज कॉमन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग एक्सटर्नल करता है. RBC, नहीं बेटा, हमारे होते है हमारे में कॉमन क्या है कि अपने दोनों मिलके क्या एक्सक्रीट करते हैं यूरिया एक्सक्रीट करते हैं तो करेक्ट आंसर डी यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज फाउंड यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक में पाया जाता है बेटा जी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में ठीक है the principal nitrogenous excretory compound in human is synthesized देखिए अपना जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो कौन है यूरिया लेकिन बनता यूरिया नहीं है एक्चुअली में पहले अमोनिया होता है या अमोनिया माइन बोल लो अमोनिया होता है फिर बेटा इस पर यूरिया साइकिल काम करता है यूसी फिर लिवर इसको कन्वर्ट करता है तो इन द लिवर इट इज कन्वर्टेड बट एलिमिनेटेड थ्रू किडनी बिल्कुल सही है राइट आंसर यूरिक एसिड किसके अंदर चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट है that is cockroach. क्योंकि earthworm के अंदर ये नहीं होगा. Frog, बेटा अपने जैसे excrete करते man भी excrete करता है. है ना बेटा जी तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर नेक्स्ट आ जाओ इन यूरियोलिक एनिमल्स यूरिया इज फॉर्म्ड बाय यूरिया बेटा यूरिक यूरिया साइकिल से ही बनता है इस यूरिया साइकिल का दूसरा नाम मैं तुम्हें तो बताती हूँ यूरिया साइकिल का दूसरा नाम होता है क्रेब्स हेंसलाइट साइकिल या फिर बेटा तुम इसको बोल सकते हो क्रेब्स साइकिल नहीं क्रेब्स हेंसलाइट साइकिल या फिर क्या नाम है ऑर्निथिन साइकिल ये दोनों इसके दूसरे नाम है क्रेब साइकिल नहीं क्रेब्स हेंसलाइट साइकिल क्रेब्स साइकिल तो टीसीए वाला हो गया जो रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं है ना चलो नेक्स्ट आ जाओ द इंफेक्शियस स्टेज फॉर

बी इज द राइट आंसर बिल्कुल सही है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयरिंग रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड कॉन्फर्मेटरी टेस्ट मुझे पेयर वेयर बनाने की जरूरत नहीं है मुझे पता है कि टाइफॉइड कॉज होता है सैलमोले टाइफी से और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है विडाल टेस्ट क्या है विडाल टेस्ट तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इन विच डिजीज डिटो ट्रांसमिटेडिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फेटिक वैसल देखो लिंफ वैसल आती है आपके हाथी पाओ में क्योंकि हाथी पाओ में नीचे की जो लिंफ वैसल है वो बहुत ज्यादा सूच जाती है तो हाथी की तरह पाओ होने लग जाते हैं फाइल so

तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए से यस करेक्ट आंसर इज ए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ प्रोटोजोन डिजीज कौन सी है यस बेटा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है देखो सिफिलिस तुम्हें पता नहीं हो सकता इन्फ्लुएंजा तुम्हें पता नहीं हो सकता ठीक है बेबी नहीं हो सकता करेक्ट आंसर इज ब्लास्टो माई प्लास्टो माई यू रुक जाओ रुक जाओ करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बेबी ओसिस प्लास्टोमाइकोसिस नहीं हो सकता बिल्कुल सही है वो तो बैक्टीरियल है यस ए इज द राइट आंसर बेटा बेबी ओसिस ये जो बेबी ओसिस है ना ये प्रोटोजोन है क्या है प्रोटोजोन है मैच करो देखो बड़े ज्यादा क्वेश्चन तो इस पे आ जा रहे हैं कि इसमें से कौन सा बैक्टीरिया है कौन सा वायरस है ठीक है डिजीज की क्लासिफिकेशन में से आधे ज्यादा क्वेश्चन है और ये इस चैप्टर में से बेटा मैच द फॉलोइंग के बहुत चांसेस हैं टीबी वूपिंग कफ डिप्थीरिया पोलियो मैच करो वैक्सीन ओके हांजी टीबी में बेटा हार्मलेस बैक्टीरिया यूज होता है वूपिंग कफ में मरा हुआ डिप्थीरिया में इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन बिल्कुल सही है पोलियो में हार्मलेस वायरस यस yes.

इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस यूजली अकर्स बाय देखो Ascaris के जो एग्स है ना वो एग्स बेटा आपको फूड में कंटामिनेटेड फूड में भी मिल सकते हैं कंटामिनेटेड वॉटर में भी मिल सकते हैं ठीक है तो मच्छर नहीं काटते हैं सेसे फ्लाई भी नहीं होती है अनकुक पॉक भी नहीं होता है ठीक है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर नेक्स्ट आ जाओ रिप्रोडक्शन के सवाल आ गए गाइस ओके सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म स्पर्म के ट्रांसफर का सीक्वेंस बेटा बता दीजिए थोड़ा सा बेटा सेशन लंबा होगा बिकॉज ऑब्वियसली हमें पूरा बायो करना है तो इट विल टेक सम टाइम आई वॉन्ट यूर लिटिल बिट पेशेंस ओवर हेयर ठीक है तो मैराथन है मैराथन ही चलेंगी कई बारी सवालों की चलेंगी कई बारी थ्योरी की चलेंगी ठीक है अब मैं थोड़ा सवाल पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ डिसऑर्डर्स के भी सवाल लेके आऊंगी और न्यूमेरिकल्स के भी क्वेश्चन लेके आऊंगी और मैं सोच रही हूँ कल एक ही दिन में दोनों के सवाल लेके आए थोड़ा लंबा सेशन एक ही बारी में बायो निपटा देंगे ठीक है बायो निपटा देंगे ओके बेटा

तुम नोटिस कर रहे हो सेम सवाल आ गया जस्ट हैव अ लुक हैव अ लुक गाइस 2019 में भी स्पर्म के पैसेज पे सवाल आया 2019 में 2016 में भी स्पर्म के पैसेज पे ही सवाल आया 2016 2019 2021 में नहीं आया 2022 में आ सकता है मे बी सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे रिपीट होता है बेटा पीवाईक्यू ये फायदा होता है पीवाई क्यू में तो दो हज़ार दो हजार उन्नीस वाले ने दो हजार सोलह का पीवाई क्यू अगर चार दिन पहले लगाया होता तो उसका गलत थोड़ा होता ये है ना बेटा उसका ये सवाल कभी गलत नहीं होता तो पहले रिटे टेस्टेस फिर इफ्रे, वासाइफ्रेंशिया एबीडाइमस एंड वास्टेफ्रेंस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू ठीक है जी बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं सवाल ओके हाँ चलो गलत बच्चा हो गया मेरे से जस्ट अ सेकेंड इसको बेटा मेरी टीम निकालेगी अब तुम लोग अगले का क्वेश्चन का आंसर दो हाँ यस yes. चलिए अगले सवाल का आंसर दे दो तो थर्ड का आंसर क्या है शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इज यूरेथ्रा लेडिक सेल्स एज फाउंड इन द्यूमन बॉडी आर निकलता है निकलता है। तो टेस्टोटेर इज अ टाइप ऑफ एंड्रोजन एंड्रोजन ही होता बेटा टेस्टोटिर गलत नहीं समझना इसको एंड्रोजन ही होता है ओके जी चलिए आगे आ जाइए ठीक है हाँ जी अगले का सवाल का आंसर दे दो इफ फॉर सम रीजन द वासा इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट्स द विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम डैश टू डैश 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 टू अब बेटा मैं इसका फोटो खींच के डालती हूँ ताकि ये मेरे बच्चों को परेशान ना करें है ना रुक जाओ आ जाओ बेटा दोबारा भी तो आओ हाँ आ गया चलो चलो तुम लोग आंसर दो फिफ्थ का आंसर निकाला फिफ्थ का आंसर बेटा मेरे बच्चों का टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए बिल्कुल मेरे बच्चे यहाँ पर जो मेहनत करने आए हैं उनका ना टाइम वेस्ट होगा ना ही बेटा उनका मैं एफर्ट वेस्ट करने दूंगी यस yes, अब लगता खुद ही गायब हो गया <laughs> खुद ही गायब हो गया <laughs> है ना खुद ही गायब हो गया ओके सिक्स का आंसर पे ध्यान देते हैं बेटा बाहर क्यों है? बिकॉज बेटा बाहर जो है टेम्परेचर हमें बॉडी से टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री लोअर देन बॉडी टेम्परेचर करना होता है तो ए इज द राइट आंसर सटोली आर फाउंड इन सटोली बेटा कहां पर मिलते हैं अपने को यस yes. सटोली totally बेटा फाउंड इन कहां पर निकालोगे सेमिनिफेरस में न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स बिल्कुल सही है सर्टोली सेल्स दे आर फाउंड इन द सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल बिल्कुल नेक्स्ट वासा इफ्रेंशिया डक्टलेस डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम कहां से कहां तक जाते हैं बेटा वासा इफ्रेंशिया याद करो टेस्टिस के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में से बहुत सारे सवाल है सो so, the बेटा आपकी सेमिनिफेरस सेमिनिफरेस्टिब्यूल है रिटे टेस्टिस है सारे रिटे टेस्टिस मिलके आ, सारे ट्यूबुलटाई मिलके रिटे टेस्टिस बनाएंगे आगे ये आपकी वासा है ये वासाइफरेंशिया आगे एप्रीडाइमस बनाती है तो पूछ रहे हैं कि वासाइफरेंशिया है। लीडिंग फ्रॉम डैश डैश टू कहां से ये बेटा है तो कहां से कहां तक है इधर इसके साइड है इस साइड बेटा आपका एपिडाइमस या वास डिफरेंस है तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी बी इज द राइट आंसर क्या आंसर है बेटा बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट आ जाइए द सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन सेमिनल प्लाज्मा यानी कि जो सेमिनल फ्लूड है सीमेन है उस उसपे सबसे ज्यादा क्या है इट इज रिच इन फ्रक्टोस शुगर होनी जरूरी है दो शुगर मेन है वन वन शुगर इज इज अदर ठीक है फ्रक्टोस एंड आइनोसिटोल साथ में आपका प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज करता है कैल्शियम रिलीज करता है ठीक है जी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट वन सिक्रीशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर रिच इन अगेन फ्रक्टोज

कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट बाइंड टू ट्रोपोनिन बिल्कुल सही है रिमूव द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट यस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अच्छा क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है विच वन इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इनमें से कैल्शियम का स्टोर हाउस कौन है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इन मसल सेल मसल सेल को मसल फाइबर भी लिख सकते हैं तो याद रखेंगे मसल फाइबर में विच वन इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम ओके बेटा एग्जाम्पल्स वाले कैसे याद रखे लिखो अपने स्टडी टेबल के सामने स्टिकी नोट्स के फॉर्म में पेस्ट करो बारी बारी देखो जब तक लिख के एग्जाम्पल याद नहीं करोगे कोई ट्रिक कोई निमोनिक नहीं याद रह सकता ठीक है कोई निमोनिक नहीं याद रह सकता करेक्ट आंसर एब्सोल्युटली एस आर एस आर इज द राइट आंसर नेम द आई एन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ द साइट्स ऑफ माइसिन फॉर क्रॉस ब्रिज ड्यूरिंग द एक्टिविटी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वही बात है यार पहले आयन का फंक्शन पूछ लिया अब उस आयन का नाम पूछ रहे हैं आयन का नाम होगा कैल्शियम आयन बिना कैल्शियम आयन के मसल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट lack of relaxation between successive stimuli in the sustained muscle contraction is known as क्या बोलोगे बेटा अगर सस्टेन्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रिलैक्स नहीं हो रही यानी कि मसल ऐसे ही हो गई है फॉर एग्जांपल इसने एक क्लासिकल डांस की मुद्रा ले ली है अगर इस टाइप का मसल हो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा रिलैक्स ही है दिस इज कॉल्ड एज टेटनी प्रोलॉन्ग ओके स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या होता है बेटा एक्टिन जो है जो थिन फिलामेंट है इट विल स्लाइड ओवर द मायोसिन मायोसिन अपनी जगह से नहीं घूमता है वो नहीं हिलेगा ओके okay? तो देख लेते हैं एक्टिन एंड मायोसिन डू नॉट शॉर्टन बिल्कुल सही बात है बट रादर स्लाइड पास्ट

ठीक है यस yes. ये दोनों क्या करते हैं बेटा एडमिट कार्ड हाँ यार एडमिट कार्ड क्या है मैं भी सुन रही हूँ ऐसा कि आ गया है मेरे ख्याल से तुमने मेरा वीडियो भी देख लिया होगा ठीक है देख लिया होगा ओके okay. अब तुम दौड़ जाओगे क्या क्लास बंद कर दें क्या आ गया तो बता दो ये मेरी क्लास में शुभ घड़ी होती है पिछली बारी मेरे ख्याल से मेरी क्लास के बीच में रिजल्ट आ गया था रिजल्ट आया था फॉर्म रिलीज हो गए थे कुछ तो हुआ था तो मेरी क्लास बेटा शुभ क्लास है इस क्लास में कुछ ना कुछ आ ही जाता है ठीक है हाँ बताओ यार आ गया <laughs> बता दो मैम की क्लास कितनी शुभ है यस yes. मैम की क्लास शुभ है कि नहीं है

चलो फिफ्थ का आंसर आ गया तुम्हारा फिफ्थ का आंसर है अब रिलैक्स गाइस होल्ड योर हॉर्सेस पेशेंस बरकरार रखिए गहरी सांस लीजिए एडमिट कार्ड ही आया है कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई है और एडमिट कार्ड यूजुअली हम देखते पता क्यों थे क्योंकि उसमें हमें सेंटर पता चलता था रोल नंबर तो चलो ठीक है सेंटर तो यार हमें ऑलरेडी पता है पहले ही आ गए थे दूसरी चीज अभी एडमिट कार्ड की जो साइट है वो बड़ी ज़्यादा बिजी होगी ठीक है तो बिजी है तो इट्स ओके क्लास लगा लेते हैं एक घंटे की उसके बाद जब बेटा सब बच्चे डाउनलोड कर लेंगे तब मेरे बच्चे भी कर लेंगे है ना नहीं आया आया यही देखो यार पता नहीं क्या कह रहे आया है नहीं आया है कल आएगा अच्छा मैं खुद चेक करूंगी कोई बात नहीं यार बेटा मुझे कोई लेना देने नहीं आया है नहीं आया इट्स ओके सिक्स पे आ जाओ द एच जोन इज ड्यू टू h जोन किसकी वाला है? h इज द हेंसन जोन हेंसन जोन क्या है बेटा सेंट्रल का गैप है जहां पर सिर्फ मायोसिन होता है ठीक है एक्टिव नहीं होता करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ए इज द राइट आंसर नहीं आया चलो जी लो जी हमारी कल वाली क्लास में आएगा बेटा फिर कल क्लास लूंगी तब आएगा कल वाली क्लास में आना ठीक है ठीक है कल वाली क्लास में आ जाना ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूम बताइए का क्या muscle contraction में क्या आंसर तो है? है। 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 में होगा? तो तो होता बड़ा हो जाता है, गलत है. Actin filament कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता बेटा एक्टिन और माइसिन में से सार्कोमेर छोटा होता है दिस इज द राइट आंसर बेटा दिस इज इंपॉर्टेंट इस पे आप फोकस करिएगा This is going to be important. Next आ जाइए रुक जाओ इसमें ज़्यादा पुराने वाले नहीं कराऊंगी मैं चलो का एक function बता दो बेटा इसमेंटिकासिपथेटिक ने तुमको रिलैक्स करना है मतलब वॉयेंट कंडीशन से रेस्टिंग स्टेज पर लाना है तो वॉयेंट से अगर तुमको रेस्टिंग स्टेज पर लाना है ओके सो द करेक्ट आंसर हेयर वुड बी डायलेशन ऑफ प्यूपल नहीं होगा एक्सेलेशन ऑफ हार्ट बीट वो कराता है स्टिमुलेशन ऑफ स्मेट स्लेट स्वेट ग्लैंड भी sympathetic से भी से होता है है हेयर मसल वही कॉन्ट्रैक्ट कराता ऑफ द प्यूपल्स ठीक है कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल्स एफरेंट कैरी कैरिम्पल्स फ्रॉम डैश टू डैश देखो एफरेंट ने कहा से कहा लेकर जाना है कहां से कहा लेकर जाना है जस्ट अ सेकेंड ओके गाइज सो आई हैव द फाइनल ठीक है आई हैव द फाइनल इन्फॉर्मेशन की एडमिट कार्ड की रिलीज डेट आई है बेटा एडमिट कार्ड नहीं आया ठीक है एडमिट कार्ड ये बेटा मेरे सामने एन टी ए का ये खुला पड़ा एडमिट कार्ड की रिलीज डेट आई है देखो मेरी टीम भी पूरा टाइम काम कर रही है हाँ बीच में क्लास चल रही है लेकिन मैम इन्फॉर्मेशन के लिए तुमको लेट नहीं होने देंगी सो दे हैव सेट कि कल सुबह साढ़े ग्यारह बजे कितने बजे कल सुबह साढ़े ग्यारह बजे बेटा आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा ऑनवर्ड्स और साइट भी दे दिए नीट डॉट एन टी ए डॉट डॉट इन तो मैं ऐसा करती हूँ बेटा ये मैं आपको टेलीग्राम पे भेज देती हूँ ठीक है लेट मी सेंड दिस इंफॉर्मेशन जो एन टी ए की आई है ऑन द टेलीग्राम विद यू जस्ट अ सेकेंड बेटा ये इंफॉर्मेशन आई है कि एडमिट कार्ड कल रिलीज होंगे साढ़े ग्यारह बजे अभी आए नहीं है अभी जस्ट एन टी ए ने आपको टाइम बताया है ठीक है तो लेट मी सेंड यू ऑन टेलीग्राम जस्ट अ सेकेंड बेटा हां जी भेज रही हूँ यार ठीक है पता चल गया कल सुबह साढ़े ग्यारह बजे आएगा यार आंसर क्या आया एट्थ का एट्थ का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी बी आएगा ना सबने आंसर ठीक निकाला है चलिए नेक्स्ट का निकालिए प्लीज़ फाइंड आउट द करेक्ट आंसर अब ये इससे आसान सवाल हो नहीं सकता है येस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज डब्ल्यू एच ओ सिंपल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर वर द वीरियस आस्पेक्ट्स ऑफ द रिपोडक्शन कवर्ड बाई डब्ल्यू एच ओ कौन से आस्पेक्ट है बेटा कौन से आस्पेक्ट है फिजिकल भी है इमोशनल भी है बिहेवियोरल भी है और सोशल भी है ये करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी राइट

द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी हाँ जी कैसे बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमोजोमल पैटर्न है ना एक्सटर्नल जेनियस एक्शन ये ओनली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी राइट गाइज चलिए इसका आंसर दीजिए विच आईयूडी इज गिवन इन दिस आप शेप पे जानिए बेटा कैसी आईयूडी लग रही है टी शेप आईयूडी लग रही है तो टी शेप कौन सी है टी शेप है बेटा कॉपर टी

अगेन द सेम फिगर विच कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दिस डिवाइस इज़ गोइंग टू बी हाँ जी दिस इज नॉट द कॉन्डम फॉर मेल्स दिस इज एक्चुअली अ फेमीडोम ये क्या है कॉन्डम फॉर फीमेल है ठीक है क्या है कॉन्डम फॉर फीमेल ओके नेक्स्ट आ जाइए बायोडाइवर्सिटी बॉटनी की पोर्शन रहता है बेटा फटाफट से करते हैं फटाफट से करते हैं ओके okay. ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एक्सिबिट हाइएस्ट स्पीशी डाइवर्सिटी हाइय डाइवर्सिटी वेस्टर्न कार्ड ऑफ इंडिया मेडागैसकर हिमालय और द एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट देखो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है वो किसमें प्रेजेंट है लंग्स ऑफ द प्लैनेट में और लंग्स ऑफ द प्लैनेट कौन से है एमेजॉन रेन फॉरेस्ट ये कोई गलत नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में ग्लोबल स्पीशी डाइवर्सिटी देखो 2020 का क्वेश्चन है रॉबर्ट ने क्या बताया था कितनी होगी उसने बोला था डेढ़ मिलियन नहीं बीस मिलियन नहीं ग्लोबल स्पीशी डाइवर्सिटी इज अबाउट सेवन मिलियन यही बताया था ना हाँ जी बिल्कुल सही है बट ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स बींग ड्रिवन टू द एक्सटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा मैंने आपको एन का नोटिस भी भेज दिया है जस्ट नाउ आई हैव सेंट यू ऑन द टेलीग्राम अगर आप देखेंगे आपके पास आ चुका है कि एडमिट कार्ड बेटा कल सुबह साढ़े ग्यारह बजे आ जाएंगे ओके okay जी आई हैव सेंट यू दिस पब्लिक नोटिस ऑन टेलीग्राम ठीक है जिसको नहीं पता वो मैम के साथ जुड़ जाए सीप पाहुजा बायोलॉजी पे भेज भेज दिया बेटा मैंने अच्छे से पढ़ोगे तो यार यही है कि पेपर होगा कितने बजे होगा दो से पांच बीस तक होगा और आपके एडमिट कार्ड कल साढ़े ग्यारह बजे के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं यस yes! सो so, देख लेना यार ठीक है आपके साथ साथ मैम आपके साथ साथ काम भी करती रहती है कौन सा काम तुम्हें अपडेट देने का तो मैम के अलावा तुम्हें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए कहीं और नहीं जाना है तो आई एम योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग हां जी थ्री का आंसर आया थ्री का आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही है हैबिटेट लॉस एंड इज द मेजर कॉज बाहर से एक बंदा इंट्रोड्यूस कर, कर दिया जिसने ओरिजिनल पॉपुलेशन को डिक्लाइन कर दिया दैट इज एलियन स्पीशी इन्वेजन की बाहर से एलियन स्पीशी आए और उन्होंने इन्वेड कर दिया सो दिस इज एलियन स्पीसी इन्वेजन ओके जी नेक्स्ट

समिट क्यों बुलाया गया था 1992 में क्या रीजन था फॉर इमीजिएट स्टेप टू डिसकॉन्टिन्यू सी एफ सी नहीं बेटा सी ओ टू इमिशन ग्लोबल वार्मिंग टू कंजर्व बायोडावर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स हाँ जी बेटा बताएंगे क्यों 1992 में अर्थ समिट रियो डी जनेरो बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ओके वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन इन कंजर्वेशन का मेथड कौन नहीं है हमने अभी सारी इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी मैराथन में करी थी यस yes, मैराथन में करी थी तो क्या बेटा इन सी टू कंजर्वेशन का मेथड नहीं है ओके okay, तो अपने पास है सीक्रेट ग्रूव बायोस्फेयर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोटानिकल गार्डन इज एक्स सी टू ठीक है बोटानिकल गार्डन क्या है एक्स सी टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर इंक्लूडेड इन एक्स एक्सेप्ट अब ये पूछ रहे हैं मतलब सीटू में कौन इन सीटू में कौन से, से? वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एक्सीटू होते हैं

बताएंगे एरन बायोम पार्थिनियम थ्रेट टू बायोडावर्सिटी सही है स्ट्रैटिफिकेशन पॉपुलेशन में होती है ओके यस करेक्ट आंसर यार बताओ ओके गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन सही है सही जा रही थी मैं सी इज द राइट आंसर पार्थिनियम वाला ही राइट आंसर एब्सोल्युटली सही जा रही थी मैं ओके okay, फोर्टी तो तो दोनों में है सेंचुरी वहीं की वहीं रहती है वहीं पे प्रोटेक्शन देना है तुमको लेकिन वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क अलग से बनाए जाते हैं सफारी करने जाते हैं ना तो बनाए जाते हैं स्पेशली ओके जी तो ये चीज आपको फिगर आउट करनी है ओके जी नेक्स्ट आ जाओ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हां जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स वायरॉइड्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताइए सबने देख लिया नोटिस टेलीग्राम पे जो मैंने भेजा है हाँ जी देख लिए ओके वन जीरो नाइन बिल्कुल सही जा रहे हैं ओके करेक्ट स्टेटमेंट बेटा दे हैव फ्री आ रहा विदाउट द प्रोटीन कोड बिल्कुल सही है राइट थंग जम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार एक बारी मैम को सेशन को लाइक करके बता दो आर यू एंजॉइंग दिस आर यू एबल टू रिवाइव होल ऑफ द थिंग जैसे मैराथन में आपको मैंने सारी थ्योरी रिवाइव कराई पी वाई क्यूस के वन शॉट ये वन शॉट है बेटा इसमें सारे चैप्टर्स आ जाएंगे इसमें मैं आपको पूरा uh, पूरे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज क्यूज रिवाइव कराना चाहती हूँ कि अब कल परसों तुम्हें पता है यार एडमिट कार्ड जब आया कल साढ़े ग्यारह बजे तो कैसे हार्ट बीट तेज होती है और कैसे मतलब पैनिक सा छा जाता है तो उससे पहले हम सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें करके खत्म कर देंगे राइट right? सब इंपॉर्टेंट जितना भी पढ़ना था रिविजन होती है पी होते हैं दोनों चीजें अपने आज डन हो जाएंगे कल मैं तुमको सारे न्यूमेरिकल्स करा दूंगी बहुत अच्छा आई न्यूमेरिकल्स और डिसऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन ऑल द पॉसिबल न्यूमेरिकल्स एंड ऑल द पॉसिबल डिसऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन टुमारो ओके मैच ऑर्गेनिज्म इन हैबिटेट कर लिया मैच यस करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए है सही मैचिंग की है तुमने ए इज द राइट आंसर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग

यस प्लीज मैच करो करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन निकालेंगे हाँ जी बेटा मैंने सर्कुलर भेज दिया राधिका एनटीए हैज रिलीज में जो बच्चे नए ज्वाइन करें मैं उन सबको बता दू एन टी एज रिलीज सर्कुलर जस्ट नाउ इन विच सेड कि जो अपना एडमिट कार्ड है वो कल दोपहर को कब आएगा ब्रेकिंग न्यूज है एनटीए की ये मैंने भेज दिया तुमको एडमिट कार्ड विल बी रिलीज टुमारो एट कितने कल बेटा, जा पढ़ बेटा कल की क्लास के टाइमिंग सेम रहेंगे फोर पी एम अपनी क्लास है तब तक तुम अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लेना इलेवन थर्टी पे एडमिट कार्ड आ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए मैचिंग कर ली ये yes. मैटकाउ डिजीज इन कैटल इज कॉस्ट बाई एन ऑर्गेनिज्म जिसका विच हैज एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है ना दिस इज द राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इसमें से क्या बेटा इनकरेक्ट है प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन वही पिछले जिसकी बात की थी मैट काउट डिजीज वायरॉइड लैक प्रोटीन को येस

ओशंस में सबसे बड़े प्रोड्यूसर चीफ प्रोड्यूसर डायनोफ्लैजेलेट्स डायाटम्स, साइनोबैक्टीरिया और यूग्लीनोइड्स करेक्ट आंसर माय डियर किड्स इज गोइंग टू बी डायाटम्स है ना चीफ प्रोड्यूसर कौन है बेटा जी आपके डायएटम्स सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल द अदर प्रोटोजोन्स इन कैसे डिफर करते बेटा सिलिएट्स सिलिएट बेटा याद कर लो वो अपना पैरामीशियम सिलिएट है ना

Yes, क्या होती है बेटा फंजाई होते हैं फंजाई का तो अलग ही किंगडम है मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई प्लांट एनिमल मोनेरन से सिर्फ प्रो है बाकी और कोई प्रो नहीं है ठीक है ही प्रो प्रो है है बाकी और कोई भी प्रो नहीं है। तो क्लियर है ये बिल्कुल बेसिक है आपकी क्लासिफिकेशन का जी नेक्स्ट आ रहा सेल पे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जी वन फेज ऑफ इंटरफेस सेल साइकिल का है सेल डिविजन सेल साइकिल एंड सेल जी वन के लिए सही बात कौन सी है करेक्ट स्टेटमेंट

ठीक है दे विल एग्जिट द सेल साइकिल एंड री एंटर दिस इज कॉल्ड एज क्विशेंट स्टेज हाँ स्टेज नहीं पूछ रहे हैं बंदा सोचता है कि यार एग्जिट वाला फेज कौन सा होगा क्वेश्चन पूछ रहे होंगे क्विशेंट नहीं पूछ रहे हैं ये कह रहे हैं कि क्विशेंट किसके अंत में होता है किसके बाद होता है जी वन एस जी टू एम तो क्विशेंट बेटा किसके बाद होने के चांसेस हैं जी वन के बाद होने के चांसेस हैं एम के बाद नहीं जाएंगे यार किसके बाद जाएंगे जी वन के बाद ठीक है नेक्स्ट डिजोल्यूशन ऑफ साइनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स विल अकर ड्यूरिंग कब होगा यार -PDD. Zygotene, pacotene, diakinesis. Yes. Dissolution पूछ रहे हैं डिजोल्यूशन विल अकर मैच रिस्पेक्ट टू माओसिस क्या हो रहा है क्रॉसिंग ओवर कब हो रही है निकाल लो यस प्लीज निकालिए एक से ही निकाल सकते हो अगर तुम्हें यह पता है कि क्रॉसिंग ओवर कब होती है जो कि मेरे ख्याल से अब हर बच्चे को पता है कि क्रॉसिंग ओवर किस टाइम पे होती है सबसे मेन तो वही है तो तुम उसका आंसर निकाल लोगे आंसर आ जाएगा यार क्रॉसिंग ओवर कब होती है अपनी पैकेटिंग में होती है तो बी के सामने थ्री आना चाहिए जो कि एक में ही दिया हुआ दैट इज ऑप्शन नंबर बी है ना दिस इज द राइट आंसर एप्सोल्यूटली आ जाओ सबका यही है सबका यही है एग्जिट phase. Phase हो जाते हैं एंटर द सेल साइकिल बेटा ये लोग छोड़ के मैदान को छोड़ के चले जाते हैं मैदान को छोड़ के जाने का मतलब है दे विल एग्जिट द सेल साइकिल करेक्ट सीक्वेंस बता दो करेक्ट सीक्वेंस G1S एस जी टू एम जी वन एस जी टू एम इससे आसान सवाल हो सकता है जी वन एस जी टू एम ओके जी टू एम जी टू एम मुझे जीतू जीतू याद आ रहे हैं वो तुम्हारे जो कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया हैं वो याद आ जाते हैं G2 जीतू 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 है ना क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच एंड स्टेज ऑफ द सेल साइकिल किस टाइम पे होगी बेटा क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती मान लीजिए ये एक होमोलोगस क्रोमोजोम है ये एक दूसरा होमोलोगस क्रोमोजोम है तो क्रॉसिंग ओवर दो नोन होमोलोग के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होती है ठीक है ये एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कब होती है पैकेटिन में होती है किस फेज में होती है पैकेटिन इज द पार्ट ऑफ प्रोफेज वन, ठीक है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एट द पैकेटिन स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 ओके द स्टेज ड्यूरिंग व्हिच द सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस इट प्योर्ड होमोलोगी में बेटा सेपरेशन कब चालू हो जाएगी सेपरेशन चालू हो जाएगी देखो पैकेट इनको क्या करना शुरू कर देंगे अलग करना शुरू कर देंगे दैट इज गोइंग टू बी डिप्लोटीन जी नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस माइटोसिस का करेक्ट सीक्वेंस बता दीजिए <laughs> कंडेंसेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, ओके अरेंजमेंट एट द इक्वेटर बेटा फेज में सेंट्रोमेयर का डिवीजन, एना फेज में सेग्रीगेशन टीलो फेज हाँ सही है पहले ही सही है यार है कि नहीं फर्स्ट इज राइट गाइस, फर्स्ट इज राइट फर्स्ट इज राइट बिल्कुल सही है चलो नेक्स्ट आ जाओ सेल पे आ जाओ बिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन अबाउट इंक्लूजन बॉडीज क्या आप पूछा आपसे

ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन हो रही है ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड भी हो रहा है ये दोनों काम कहां पर होते हैं ये दोनों काम होते हैं अपने गोलजी में क्योंकि गोल्जी मॉडिफाई करता है गोल्जी अमेजॉन है बेटा क्या है एमेजॉन है पूरा पैक वैक करके डिलीवरी कर देता है सामान की जैसे अमेजोन वाले नहीं करते वैसे ही है बेटा अपना गोल्जी बच ऑफ द फॉलोइंग अरे दोबारा आ गया दोबारा नहीं पढ़ेंगे बच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया

छोटी आम ऊपर वाली ये देखो सब मेटा सेंटर कैसा होता है ना नीचे वाला थोड़ा बड़ा होता है शॉर्टर एंड लॉन्गर बेटा इनको पी एंड क्यू आम है ना जी क्या बोलेंगे पी एंड क्यू आम नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनलीज डज नॉट कंटेन डीएनए किसमें डीएनए नहीं है ओके okay, देख लेते हैं डज नॉट न्यूक्लियर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में है पूरे पेयर के पास नहीं होना चाहिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के पास है इसमें क्लोरोप्लास्ट के पास है इन दोनों के पास नहीं है ठीक है अब तुम सोचोगे जल्दी में बेटा तुम बी भी आंसर लगा सकते हो बी में क्योंकि तुम्हें दिख रहा है लाइसोसोम है लेकिन प्लीज सारे पढ़ोगे तो पता चलेगा इन तीनों में कम से कम एक के पास तो है बट डी में किसी के पास भी नहीं है ठीक है सो यहां से हमें क्या शिक्षा मिली शिक्षा मिली कि सारे ऑप्शन पहले पढ़ने हैं उसके बाद आपको करेक्ट आंसर देना है जब तक सारे ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तब तक करेक्ट आंसर नहीं दोगे नेक्स्ट वन मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू गोल्जी लाइसो वैक्यूल राइवोजोम गोलजी बेटा ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन का काम है सबसे पहले तो इसको इस काम पे लगा दो ए का थ्री ए का थ्री लगा दिया लाइसोजोम क्या करेगा डाइजेस्ट कर लेगा बी का फोर ठीक है सी का टू है राइबोजोम क्या करेंगे प्रोटीन बना लेंगे ए इज द राइट आंसर है ना बच्चों फंक्शन ऑफ ऑर्गेनली पे खूब सवाल आ रहे हैं ठीक है फंक्शन ऑफ ऑर्गेनलीज पे बहुत सारे सवाल हैं ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस हमें पता है एक डेंस बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर ही जो कि कुछ नहीं है वो डीएनए एन ही है लेकिन वो क्या बनाती है रिबोजोमल आर एन ए बनाती है सो न्यूक्लियोलस इज नॉट एन ऑर्गेनली इट इज़ जस्ट जब से डीएनए मतलब टाइट टाइट होके बैठा है और उसने आर आर एन ए बनाना है क्या बनाना है साइट ऑफ एक्टिव रिबोजोमल आर एन एसिस आर आर एन ए कौन बनाता है न्यूक्लियोलस क्या ये है नहीं, नहीं है तो यार मेमब्रेन और मेमब्रेन बाउंड का तो सवाल ही नहीं है ये डी एन ए ही है ओके okay? हां जी चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं तुम्हारे इस पे द गोल पार्टिसिपेट्स इन गोलजी ने क्या काम करना है देखो गोलजी ने अमेजोन का काम करना है आगे सिक्रिट करके भेज देना पैक वैक करके तो फैटी एसिड को नहीं तोड़ेगा रेस्पिरेशन नहीं कराएगा सिक्रिटरी वेसिकल बनाएगा और आगे ट्रांसपोर्ट कर देगा ठीक है जी ओके okay, नेक्स्ट आ जाओ इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इको का सवाल आ गया एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज करेक्ट कौन किससे बड़ा होगा फॉर्मूला देख ले पहले बिना फॉर्मूला के नहीं आएगा एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस रेट ऑफ रेस्पि माइनस रेस्पिरेटरी लॉस ठीक है जी यही होगा तो एनपीपी निकालने के लिए जीपीपी में से आर माइनस करना पड़ेगा कौन किससे बड़ा है yes, यस कौन किससे बना है बेटा ये बड़ा होगा ना इसमें से रेस्पिरेटरी रेट माइनस होगा तो जीपी एनपी निकलेगा बिल्कुल जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी बड़ी होगी क्योंकि उसके अंदर सब इंक्लूडेड है ओके तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट मैच द ट्रॉफिक लेवल्स विद दर करेक्ट स्पीशी एग्जाम्पल इन द ग्रास लैंड इको सिस्टम ग्रास लैंड बेटा इको सिस्टम बना दो तो पहले शुरू कर लेते हैं अपने ग्रास से ठीक है ग्रास को कौन खाएगा हर्बीवोर रैबिट रैबिट को कौन खाएगा करो और इसको खा लेंगे वल्चर ठीक है सही है ना मैम ने ठीक लिखा बता दो उल्टा तो नहीं लिख दिया तो ए के सामने फोर्थ ट्रॉफिक लेवल यस वल्चर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल रैबिट थ्री ठीक है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ग्रास आएगी एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे करो बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना तो पहले पूरा वो लिख लो टी वन टी टू सारे लिख लो वहां पर और फिर आंसर निकाल दो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है कोई डिफिकल्ट बात नहीं है कौन सा इनवर्टेड वाला कौन सा हाँ जी पिरामिड ऑफ नंबर इन द इरेक्ट सही है एनर्जी हमेशा ही सीधा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट भी सीधा होता है इन्वर्टेड आएगा बेटा पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी दिस इज़ इन्वर्टेड ठीक है जी ओके नेक्स्ट आ जाइए हाँ जी मॉन्ट्रेयाल प्रोटोकॉल देखो अपना क्योटो प्रोटोकॉल मॉन्ट्रेयाल प्रोटोकॉल रियो वाला समिट अर्थ समिट इन सब के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए मैं तो कहती हूँ इसको एक प्रॉपर शीट पे लिख लो जिसने लिखा हुआ मेरे साथ शेयर करना मैं टेलीग्राम पे सब बच्चों के साथ कर दूंगी सबका भला हो जाएगा अगर आपने एक जगह सारी इकोलॉजी की ट्रीटीज और जो कन्वेंशन हुए थे ऑल ओवर वर्ल्ड अगर एक जगह लिखे हुए हैं तो बेटा मेरे साथ जरूर शेयर करना आज ओके Montreal Protocol was signed in 1987 for the control of. क्यों साइन किया गया था यार Montreal? Because अपने को ओडीएस क्या करने थे कम करने थे ठीक है Montreal is a city in Canada. Canada की एक सिटी का नाम है मॉन्ट्रियल ठीक है स्नो ब्लाइंडनेस इन द आर्टिक रीजन कॉर्निया खराब होने लगता है ना यूवी रेस की वजह से किसकी वजह से होता है स्नो ब्लाइंडनेस इनफ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यू बी राइट रीजन में क्या है ओजोन लेयर काफी पतली है, तो यूवी रेज ब्लॉक नहीं हो पाती है जिसकी वजह से तो स्नोई क्लाउडीनेस आ जाती है आंखों के सामने दिस इज स्नो ब्लाइंड सेवेंटी फोर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड मटेरियल फॉर पॉलीब्लेंड क्यों बढ़िया बेटा बताना फटाफट यार सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो तुम मैं देख रही हूँ अब अपने बिल्कुल एंड पे आ गए थोड़े से चैप्टर बचे हैं प्लांट फिजियो बची है जेनेटिक्स बची है तो फटाफट से यार सेशन को लाइक कर दो है ना हाँ जी सेवेंटी फोर का करेक्ट आंसर है इसको बेटा यूज करते हैं वाला है दैट इज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बिल्कुल सही है नेक्स्ट आ जाओ <coughs> माइक्रोब्स माइक्रोब्स का आंसर देंगे ये देख लो पिछले साल क्वेश्चन आया था ट्वेंटी ट्वेंटी वन का क्वेश्चन है बेटा मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया और ये सिर्फ 2021 नहीं हर साल हर एक साल छोड़ के यही सवाल आता है क्योंकि माइक्रोब्स में और कुछ है नहीं वो यही पूछेंगे तुमसे किस केमिकल किस ऑर्गेनिज्म से क्या बन रहा है किस माइक्रोब से क्या बन रहा है एज पर जिला स्नाइगर सिट्रिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड सिंपल ठीक है इससे बनेगा सिट्रिक एसिड, इससे बनेगा एसिटिक एसिड, एसिड, बिटाइलिकम, क्वेश्चन 2021 में आया बस यही था एक दो ऑप्शन चेंज किए यही क्वेश्चन 2020 में आ गया तो क्या बदला इन्होंने इस चैप्टर में बेटा फिक्स है कि क्या आना है बिल्कुल फिक्स है या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे आ सकता है okay,

बच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलेट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट बेटा कौन है ये है अपने statins कौन है बेटा? करेक्ट आंसर साइक्लोस्पोरिन क्या है immunosuppressive एजेंट है ठीक है जी statins क्या है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने वाले स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट बस्टर ये कौन है ये जो बच्चे इसके साथ है बेटा ये क्लॉट बस्टर है ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है immunosuppressive, सुप्रेसिव okay? ओके स yes? चलो Next आ जाओ नेक्स्ट आ जाइए हाँ जी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कैटेलाइज बाई नाइट्रोजनेस इन रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स आर क्या बनेगा बेटा रूट नाड्यूल्स में नाइट्रोजनेस के रिएक्शन से क्या चीज़ बनती है नाइट्रेट अलोन अमोनिया एंड ऑक्सीजन अमोनिया एंड हाइड्रोजन एंड अमोनिया अलोन बेटा जिसके पास वो चार्ट है वो क्या करें वो मुझे टेलीग्राम पर डी एम करे एट द रेट तुम सर्च करोगे मेरे को कहीं भी है बेटा आप सर्च कर सकते हो एट द रेट सीप पाहजा ठीक है डीएम करिए टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे इन दोनों जगह आप कर सकते हैं इसी नाम से आपको मैं मिल जाऊंगी ठीक है आप इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ लो या फिर टेलीग्राम पे ढूंढ लो ये जो बच्चा है राइट हाँ जी ये रह रह के नौ नौ गाई आते हैं वैसे मारे रह रह के रह रह के आ, रह के आ रहे हैं पहले पता क्या करते हैं जाते हैं ये जाते हैं नया सा बनाएंगे अपना आईडी और फिर उस आईडी को रोल आउट करने के लिए आ जाएंगे टाइम बेटा थोड़ा सा टेक्निकल हो जाओ इतनी आइडिया नहीं बनानी पड़ती मैम से पूछो कैसे स्पैम करते हैं मैम पूरी टेक्निकल है इस टाइम पे क्या है मैम पूरी पूरी टेक्निकल है ओके हाँ ठीक है करेक्ट आंसर है बेटा अपने पास ऑप्शन नंबर सी चलो टेक्निकल मैम को टेक्निकल गुरुजी को बुलाना पड़ेगा ये टेक्निकल गुरुजी कौन है चले गए हाँ मेरी टीम आएगी अब इसको पछाड़ने के लिए ईद मुबारक गाइस आपको भी मुबारक सबको मुबारक ठीक है नेक्स्ट कल मिलेगा बेटा साढ़े ग्यारह बजे एडमिट कार्ड टुमारो एट इलेवन थर्टी अभी नहीं आया है प्लीज मेरा नोटिस जो मैंने अभी भेजा है वो चेक करो आयरन जिंक बोरॉन मैंगनीज़ मैच करिए यस आयरन जिंक बोरॉन मैंगनीज चलो बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आयरन के सामने आ जाएगा रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस बिल्कुल सही ओके इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी बी इज द राइट आंसर है ना हाँ बेटा सब बच्चे वही टेक्निकल गुरुजी बन जाइए अभी अगले का आंसर दीजिए बेटा आप हाँ जी दे थर्ड बी ऑप्शन नंबर डी इन ग्लाइसिन मैक्स प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फ्रॉम रूट नॉड्यूल्स टू अदर पार्ट्स एज कैसे होगा बेटा ग्लाइसिन मैक्स के अंदर पूछ रहे दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड एज यूराइड्स किस फॉर्म में जाएगा बेटा ये इट विल बी ट्रांसपोर्टेड एज यूराइड्स नेक्स्ट आ जाइए शुरू करते हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मस्त

वन वाला जो है मेजर एक्सेप्टन टू जो है वो एच एन आर एन ए बनाता है थ्री जो है वो बचा हुआ एक आर आर एन ए बनाता है और टी आर एन एस बनाता है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टी आर एन ए बनाएगा बिल्कुल सही है फाइव एस आर एन ए बनाएगा आर आर एन ए और एस एन आर एन ए देखो बचे हुए जो जितने आर आर एन ए है ना ये सब पॉल वन बनाता है ठीक है एम आर एन ए तो प्रिकर्सर ऑफ एम आर एन ए यानी कि एच एन आर एन ए कौन बनाता है पोल

टी होता है ठीक है जितना ए होता है उतना ही टी होता है तो ये दोनों मिलके कितने हो गए अपने पास 60 हो गए ठीक है 60 हो गए तो बचा कितना अपने पास 40 तो 20 20 आप डिवाइड कर दीजिए क्या कर दीजिए 20 20 डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 1 इज द राइट आंसर यस सबका ये आया नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन

इनिशिएट भी कर लेगा DNTPs भी ऐड करा देगा और रोक भी देगा उस प्रोसेस को वो एंजाइम कौन है? राइट दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग जी स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग रॉन्ग स्टेटमेंट बताइनो एसिड लाइसिन देखो स्टोन बेसिक प्रोटीन्स है तो बेसिक अमाइनो एसिड होंगे उसमें बेसिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं बी ए एच एल होते हैं ए एच एल लाइसिन तो ये ट्रू बात है कैरी पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल सही बात है आर टू फॉर्म एट मॉलिक्यूल बिल्कुल सही है बेटा ऑक्टमर बना लेते हैं यहाँ पर एच टू एच टू बी एच थ्री एच फोर सही है दी एच ऑफ स्टोन इज टाइटली एसिडिक नहीं बेटा पी एच ऑफ स्टोन इज गोइंग टू बी बेसिक है तो बेसिक ही होगी नेक्स्ट वन स्टेटमेंट आपको दी हुई है बताना है कौन सा करेक्ट और इनकरेक्ट है ओके द कोडोन एय जी फॉर मेथन इन एंड फिनाइल दिस इज एट कोडोन फॉर मेथन इन ए एंड ए ए जी बोथ कोड्स बोथ आर द वन विच कोड्स फॉर लाइसिन हां जी बताओ कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर सही है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट कल आएगा प्रियांशी प्रियांशी गुप्ता एडमिट कार्ड आज नहीं आया है एनटीए ने जस्ट एक स्टेटमेंट रिलीज की है कि एडमिट कार्ड कब आएगा एडमिट कार्ड आएगा बेटा आपका कल सुबह साढ़े ग्यारह बजे तो अभी बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है पी क्यूज खत्म करते हैं एडमिट कार्ड भी देख लेंगे ठीक है एडमिट कार्ड भी देख लेंगे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट आ जाओ मिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन का जो एट्रीब्यूट नहीं है सेक्स रेशो है नेटालिटी यानी कि बर्थ रेट है मोर्टालिटी कि डेथ रेट भी है स्पीशी का इंटरेक्शन आपस में पॉपुलेशन का कोई एट्रीब्यूट नहीं है राइट चलिए नेक्स्ट आ जाओ कार्निवरस एनिमल्स लाइक लाइन लेपर्ड्स ऑक्यूपाई सेम निश बट लाइन्स प्रिडेट मोस्टली लार्जर एनिमल्स लेपर्ड्स टेक द स्मॉलर वन दिस ऑफ मैकेम्पिटिशन इज रेफर टू एज क्या बोलोगे यार देखो दोनों ने दोनों कार्निवरस है लाइन और लेपर्ड एक ही फंक्शन है दोनों का फंक्शनल वाले को क्या बोलते हैं नीश है ठीक है लेकिन हमने बांट लिया है कि लाइन कहता है मैं बड़े वाले को खा लूंगा लेपड़ कहते हैं मैं छोटे वाले को खा लूंगा खाएंगे एनिमल्स को भी यानी कि बेटा इन्होंने कॉम्पिटिशन को अवॉइड किया है बाय रिसोर्स पार्टिशनिंग ये ये हिस्सा मेरा ये वाले एनिमल्स मेरे ये वाले एनिमल्स तेरे तो इसको बोलते क्या है रिसोर्स पार्टिशनिंग जिससे दोनों को एग्जिस्ट कर पाए नहीं तो बेटा दोनों लड़ भिड़ के आधे हो जाएंगे एक ही बचेगा लेकिन एवोल्यूशन में दोनों है क्योंकि ये अपना रिसोर्स पार्टिशनिंग कर लेते हैं नेक्स्ट आ जाओ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग कब ज्यादा होता है बेटा प्रोसेस ऑफ ग्रोथ जी मैक्सिमम ड्यूरिंग हमने वो ग्राफ बनाया था ग्रोथ का बेटा प्रोसेस बिल्कुल सही है इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लॉग फेज है ना नाम से क्लियर है एक्सेलरेशन फेज लॉग फेज नेम द पीजीआर अपॉन स्प्रेइंग ऑन द शुगर केन क्रॉप गन्ने पे डालने इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम

No. So, is going to be एक प्रोमोटर है, लेकिन फिर भी ये सीड डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओके okay जी चलिए नेक्स्ट आ जाइए हाँ जी फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू किसके जैसा स्ट्रक्चर है बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च का सब बच्चे बताएंगे

तो ज्वाइन कर लेना ए जी का क्या आंसर है बिल्कुल सही है दिस इज सिमिलर टू तो अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन दोनों सेम ही होते हैं सेम जैसा स्ट्रक्चर होता है ऑफ ऑफ द फॉलोइंग इज देखो कैसे सवाल आ रहे हैं प्लांट किंगडम में से इनमें से यूनिसेलर एल्गी आपकी कौन सी है लैमिनेरिया सार्गासम सारेडियम ग्रासिलेरिया एनाबिना वॉलवक्स क्लोरेला एंड स्पिरुलिना करेक्ट आंसर माय डियर किड्स इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी है ना नेक्स्ट स्ट्रॉबिलाई कॉन्स आर फाउंड मिलते हैं मिलते हैं बेटा बताएंगे तीन चार सवाल बेटा यहाँ से आए थे बिल्कुल एक बच्चा कह रहा है वी आर अनस्टॉपेबल यस वी आर अनस्टॉपेबल कोई भी आके हमारी क्लास को डिस्टर्ब करे ऐसा नहीं हो सकता राइट तो कल बेटा हम मिलेंगे अभी खत्म नहीं हुआ है। कल हम मिलेंगे अपने डिसऑर्डर्स और न्यूमेरिकल्स के लिए दूसरी चीज मैं देखूंगी बेटा अकेले न्यूमेरिकल्स या फिर डिसऑर्डर प्लस न्यूमेरिकल कर लेंगे एक ही सेशन में निपटाते हैं दिन बहुत कम है तो हर दिन को अच्छे से अपने को क्या करना है यूज करना है ठीक है जी आई ट्राई कि हम इसको एक ही सेशन में कर दें ओके नेक्स्ट द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स प्रिंसिपल्स का सवाल है द फॉर्मेशन ऑफ जायगॉड एफ वन एफ टू प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग कैसे बताओगे यार गैमीट बनाना एफ वन में क्या बनना पाई डायग्राम पिरामिड डायग्राम प्यूनिट स्क्न डायग्राम वे वे ये जिस बच्चे ने गलत किया मार खाएगा यार वो बच्चा दैट इज प्यूनिट बिटवीन मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइग फॉर सिकल सेल एनीमिया वट परसेंटेज ऑफ प्रोजनी विल बी डिजीज जी हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया बेटा मम्मी भी हेट्रोजाइगस है ठीक है पापा भी क्या है हेट्रोजाइगस है बता दो हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस क्रॉस करेंगे तो व्हाट परसेंटेज इज गोइंग टू बी डिजीज किन को बीमारी होगी निकाल के दिखा दो क्रॉस बना लो ठीक है और क्या बन जाएगा ये तो कैपिटल टी कैपिटल टी की तरह हो गया ये yes, कितनी प्रोजिनि बेटा येस द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी किनको बीमारी होगी फिफ्टी परसेंट जी सही आ रहा है फिफ्टी परसेंट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर बिल्कुल सही है थ्री इज द राइट आंसर हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट डिड सिलेक्ट वेराइट व्हिच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद द कंट्रास्टिंग ट्रेट कितनी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी सिलेक्ट की वैसे तो बेटा डाउट होता है सात और चौदह में बट इसने सात तो दिया ही नहीं है तो एक ही आंसर दिया हुआ है दैट इज गोइंग टू बी चौदह ठीक है नेक्स्ट ंग दैरेक्टर्स विच वन वॉज नॉट कंसिडर्ड बाई में क्या नहीं लिया था बेटा सेवन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे तो सीड uh, कलर लिया था पॉड शेप ली थी स्टेम का साइज लिया था ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर या नॉन ग्लैंडर ये मेंडल ने नहीं लिया था ये किसी भी हद तक नहीं लिया था नेक्स्ट आ जाओ द प्लांट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अनदर ओके क्या सीन है बेटा इन प्लांट्स का बताएंगे पोलन ग्रेन इन साइड द एंथर हाँ जी सही है जर्मिनेटेड पोल ग्रेन विथ टू मेल गैम सीड इन साइड द फ्रूट एम्ब्रिय इन साइड दो व्यूल ये बात बिल्कुल सही है तो ओनली करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर वन एंड फोर जो कि आपका दिया हुआ था डी में ठीक है जी यस yes, हाँ इन वाटर हाईसेंथ वाटर लिली पॉलिनेशन कैसे होती है बेटा वाटर हाईसेंथ वाटर लिली दिखने में तो कैसे लगते हैं कि यार वाटर प्लांट्स हैं वाटर पॉलिनेशन करते होंगे लेकिन ये वाटर पॉलिनेशन नहीं करते हैं ये पॉलिनेशन बेटा या तो विंड के साथ करेंगे या इंसेक्ट के साथ कर लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है कि जो वाटर प्लांट्स है वही वाटर के साथ पॉलिनेशन नहीं करते हैं बेटा ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन द एंजियोस्पर्म मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन द एंजियोस्पर्म एंजियोस्पम जी कैसा होता है अपना एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक ओके okay. तीन बारी माइटोसिस से बनता है तभी बेटा आपका एट न्यूक्लिएटेड स्टेज है राइट मोनोस्पोरिक विद थ्री सिक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन है ना दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर बिल्कुल सही है आगे आ जाओ हाँ जी द लेबल ऑफ द हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी क्या नहीं होता यार लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा है कि हम कंजर्व प्रिजर्व करने के लिए प्लांट्स को क्या बनाते हैं हार्बेरियम शीट्स बनाते हैं वन ऑफ द एड उसमें क्या नहीं होता है उसका लेबल लगाएंगे डेट ऑफ कलेक्शन होती है नेम ऑफ द कलेक्टर भी होता है उसका लोकल नेम भी होता है बेटा क्या चीज नहीं होती है हाइट ऑफ द प्लांट आपकी नहीं होती है सो विद ऑल द इम्पोर्टेंट पी वाई क्यूज इसमें से बेटा कुछ कुछ पीवाई मैंने आपकी फाइल में एक्स्ट्रा डाले हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ कुछ देर में आई एम अबाउट टू शेयर अ फाइल विद यू जिसमें बेटा मैंने कुछ एक्स्ट्रा पी भी रखे हैं तो उनको एक बारी जरूर 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 देखेंगे ठीक है देख लेंगे तो ये सब चीजें मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगी राइट गाइज कोई भी बच्चा अगर 2023 या 4 को टारगेट कर रहा है तो बेटा ये मेरे नए बैचेस चल रहे हैं आप सब बच्चे एनरोल कर सकते हैं इसमें कोड लगाना है सबने सीप लाइव क्या लोग कोड लगाना है बेटा सीप लाइव इसमें आप वन ईयर या टू ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आपको मेरे से पढ़ा हुआ समझ आता है मेरी मेंटोरशिप के अंडर आ सकते हैं और इस पर ही बेटा जो मेंटोरशिप है इसका लेवल ही अलग होने वाला है ये मैं अपने सारे बच्चों से प्रॉमिस करूंगी लास्ट ईयर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मैं ये करना चाहती थी बट मुझे इतनी फ्रीडम नहीं थी बट इस बारी तो, बेटा ने फार देना है। की सबसे अलग तो इसके लिए वन ईयर और टू ईयर के प्राइस हैं बेस्ट अभी आपके लिए अगर अगले साल का टारगेट है तो वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए उससे अगले साल का है, तो टू ईयर का लीजिए कोड लगाना सीप्लाइफ इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीजें इंक्लूडेड है सेशन यार तुमको अच्छा लगा तो लाइक क्यों नहीं करा लाइक क्यों को बेटा होने वाला है, दो बजे होने वाला है उस दिन मैं दोपहर की क्लास नहीं रखूंगी क्योंकि मेरा हर बच्चा ये मॉक टेस्ट देगा ही देगा दिस इज द लास्ट फाइनल कॉल टू ऑल्टी ट्वेंटी टू एसपरेंट लिंक बेटा दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे इसमें एनरोल करना और बताना और बेटा ये एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी बस आपको कोड लगाना रहेगा दैट इज सीप लाइफ मेरा नाम है सीप आगे लगा देना लाइफ कोई भी टॉपिक अगर तुमको डिटेल में पढ़ना हो तो बेटा आप लिंक ट्री से पढ़ सकते हैं लिंक टी आर डॉट डबल ई स्लैश सी डॉट पाउजा इस पर जाओगे इनफैक्ट बेटा आप जूनियर्स को भी अपने सजेस्ट कीजिए मेरा लिंक बिकॉज मैंने अपने सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इलेवन क्रैश कोर्स डाल दिए मैं वहाँ पर मैराथॉन्स भी डालने वाली हूँ जो अभी मैंने आपके लिए ली हैं ठीक है मेरे ख्याल से कल हम न्यूमेरिकल्स और डिसऑर्डर्स के सारे सवाल करते हैं सही है कि नहीं एक बार बता दो मैम को न्यूमेरिकल्स एंड डिसऑर्डर्स टो ऑल द पॉसिबल न्यूमेरिकल्स एंड ऑल द पॉसिबल डिसऑर्डर्स क्या कहते हो मेरे बच्चों इन दोनों पे क्वेश्चंस कर लें कल वन शॉट ऑन ऑल द दिकल्स ऑफ बायोलॉजी एंड ऑल द डिसऑर्डर्स ऑफ बायोलॉजी ठीक है यस yes? तो कल डिसऑर्डर्स एक ही देख मतलब मैं साथ ही पढ़ा दूंगी डिसऑर्डर ना आपको मैं क्वेश्चंस ऐसे लेके आऊंगी कि सारे साथ ही पढ़ा दूंगी तो सब हो जाएगा ओके okay? हाँ तो, तो मिलते हैं यार अगली क्लास में तब तक सेशन को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट्स में मैम को जरूर बताएंगे कोई और चीज है या फिर एनी काइंड ऑफ Feelings that you have, कि मैम मुझे ऐसा लग रहा है मुझे डर लग रहा है मुझे पैनिक हो रहा है कुछ भी है ना इसको हाँ. लिख डालो लिखना इज लाइक कि अपना दुख बांटना बताना मैं आप इमेजिन करके चला करो और ये मान के चला करो मैम आपके कमेंट्स पर्सनली रीड करती है मैं खुद पढ़ती हूँ बेटा मेरी कोई टीम नहीं है मैं अकेली हूँ आई एम वन मैन आर्मी अकेली काम करती हूँ मेरी पूरी कोशिश है आज मैं आपके साथ कॉल पे भी आने वाली हूँ ठीक है प्रॉबेबली ऑन टेलीग्राम रात में मिलेंगे आ, वीडियो चैट पे जिसमें आप अपने सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं आई ट्राई टू कम ऑनलाइन एंड कोशिश करते हैं लास्ट के तीन चार दिन में पूरा जोर लगा देंगे क्योंकि मैम का लोगों क्या है रुकना मना है रुकना नहीं है हमने ठीक है तो सीप मैम के बच्चे तो वैसे ही नहीं रुकते हैं है ना चलो मिलते हैं गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय ये कौन है पीडीएफ बेटा अभी शेयर कर रही है टेलीग्राम पे ओके डायग्राम बेस सारे क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा आप सर्च करो ऊपर डायग्राम बेस सीप पाउजा डालो मिल जाएगा ओके चलिए साइंटिस्ट वाला भी सब मैंने शेयर कर दिया बेटा टेलीग्राम पे दोबारा जाके देखिए तो क्या डालना सीप पाउजा बायोलॉजी दोबारा जाके देखोगे मिल जाएगा okay chalo bye